नमस्कार, स्तुगी ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 के गणित पेपर हल, जो 2019 में परीक्षा हुआ था। उसमें 7 सेट पेपर बने थे, 7 सेट में 2 सेट का पेपर हल हो चुका है। यदि वह 2 सेट पेपर अगर आप हल नहीं देखे होंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पर जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। तो उस भाग में जो पेपर कोड था, याद रखिएगा 822 AB, जो फर्स्ट पेपर था और जिसको पेपर का कोड 822 AB था, उस पेपर को हल करा दिया गया है। उस पेपर को हल को आप लोग देख लीजिए, 822 आपका AW पेपर का कोड था, दूसरा पेपर था, और तीसरा पेपर का कोड याद रखेंगे 822 AX जो है पेपर का कोड है। अब इस पेपर कोड के बारे में आपको आज बताया जाएगा। अब पूरे पेपर को हल, आपको एक एक क्वेश्चन आपको हल करके बताया जाएगा, इसलिए इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए। और यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिए। तो क्वेश्चन जो है बगल में आपको डिस्प्ले पे आपको क्वेश्चन भी दिखाया जाएगा साथ साथ में, और उसका आपको सॉल्व करके यहाँ पर बताया जाएगा। तो आप डिस्प्ले पर आप देख सकते हैं कि 822 जो पेपर का कोड जो है, वो जो कोड का पहला जो क्वेश्चन आया था दिया है इसमें आपका। पहले तो आप जान जाइए कि जो क्लास 10 में जो होते हैं गणित के पेपर में 6 क्वेश्चन जो होते हैं विकल्प क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपको 4 विकल्प दिया रहेगा और इसमें से एक विकल्प आप क्वेश्चन क्या रहेगा सही रहेगा। तो इसमें पहला का जो क देख रहे हैं, क्वेश्चन डिस्प्ले पर आपको दिखाई दे रहा होगा, लिखा है किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। तो किसी पूर्णांक m के लिए धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा, जिसमें पहला ऑप्शन दिया है m, दूसरा ऑप्शन दिया है m+1, तीसरा ऑप्शन 2m, चौथा ऑप्शन 2m+1 है। इसमें से आपको बताना है कौन सम पूर्णांक का रूप होगा। तो आपको पहला क्या दिया गया था, आपको पहला आपको क्या है m है, फिर से आपका m+1 है, उसके बाद से 2m है, उसके बाद 2m+1 है। तो इसमें आपको विकल्प देख लिए होंगे, 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से एक आपका ऑप्शन क्या है सही है। तो यहाँ ध्यान देंगे, आपका यहाँ दिया गया m, यहाँ अगला हमारा m+1, यहाँ दिया है 2m, 2 प्लस से आपका 2m+ आपका 1 दिया गया है। इसमें बताना है कौन सम पूर्णांक होगा, जांच करते हैं। m बराबर आपका 1, 2, 3, 4 रख करके जांच करिए। चलिए m बराबर हम 1 रखते हैं, तो 1 यहाँ रखा गया, यहाँ 1+1 होगा, यहाँ आपका 2 × 1 होगा, 2 × 1+1 होगा। m का मान 1, 2, 3, 4 रखने से पता चल जाएगा कौन सा पूर्णांक आएगा। यहाँ तो क्या आया, 1 आया, 1 जोड़ेंगे तो आपका क्या हुआ 2 हुआ, 2 × 1 आपका 2 हुआ, 2 × 2 = 1 आपका 3 हुआ। इसमें देखिए यहाँ सम तो आपको 2 आ गया, फिर हमें सम आया, इसका मतलब ये ऑप्शन आपका होगा और ये ऑप्शन हुआ भी, अभी 2 ऑप्शन हुआ, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है और ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि आपका विषम ऑप्शन विषम आ गया आपका। अब इसके बाद से 2 चेक करेंगे, 2 अब इसमें रख करके चेक करेंगे कि 2 रखने पर क्या रहा है। यम बराबर 1 रखा चुका, अब यम बराबर क्या रखेंगे 2। अब इसमें यम बराबर देखिए आपका ऑप्शन यम ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि इसमें क्या आ गया आपका सम आ गया, ए विषम आ गया, और यहाँ पर भी कौन संख्या आपका आ गया विषम आ गया। अब बचा कौन कौन, 2 आपका ए विषम है, ए विषम है, तो अब यहाँ पे सम है, तो अब यम बराबर 2 रख चेक करेंगे, इसी में चेक कर रखना है, इसी में आपको 4 ऑप्शन जो दिया था अब इसमें 2 रखेंगे, तो 2+1 आएगा, यहाँ का आएगा आपका 2 × आपका 2 आया, 2 × 1 कितना हुआ 3 हुआ, 2 × 2 = 4, इसका मतलब आपको 4 सम आना चाहिए। तो सम किस में आया, साम्यता के सम किस में आया आपका 2m में आया, इसका मतलब ऑप्शन कौन सा ही होगा आपका, ऑप्शन जो है तीसरा ऑप्शन क्या होगा सही होगा। समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो एक बार समझिए, जैसे ही m बराबर 1 रखना है, m के स्थान जहां दिखाई दे रहा होगा m के स्थान पर 1 रख करके चेक करेंगे कि हमारा सम आ रहा है कि विषम आ रहा है। जब m बराबर 1 रखे हैं और यहां m की जगह 1 1 यहां 1 रखे हैं, यह 1 को उतार दिए तो 1 आपका 2 हो जाएगा, 2 × 1 = 2 होगा, 2 × 2 = 3 हुआ, तो आपको क्या है आपका 1 आ गया और यहाँ पे क्या आया आपका 3 आया, तो विषम है, तो आपको ऑप्शन में नहीं हो सकता, ये आपका नहीं होगा और ये भी आपका नहीं होगा। अब बचा 2 ऑप्शन, आप 2 ऑप्शन में चेक करेंगे यम बराबर 2 रख करके, अब यम बराबर 2 जब रखे हैं तो ऑप्शन क्या है आपका 3 आया, यहाँ का आया 4 है, इसमें 4 हमको सम चाहिए, इसका मतलब हमारा ऑप्शन क्या आपका है 2m। समझ आ गया होगा, तो आपको इसमें संपूर्णांक कौन संख्या होगा, तो संपूर्णांक संख्या आपका क्या होगा आपका तीसरा ऑप्शन क्या है सही है। अगला क्वेश्चन जो है आपको डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन देख लीजिए, लिखा है यक्ष अक्ष पर एक बिंदु, जो बिंदु ए कोष्टक में आपको लिखा है 2, −5, बी दिया है −2, −9 में क्या है समदूरस्थ हैं, आपका लिखा है निर्देशांक होगा, आपका क्या है निर्देशांक आपका होगा 4 ऑप्शन इसमें दिया −7, −0, −0, −7, −2, −7, −0, ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन को आप भी साथ में पढ़ते रहिए, जिससे आपको क्या होगा क्वेश्चन पूरा आपको समझ में भी आ जाएगा और उसको हल करने में भी आपको आसानी रहेगा। तो
क्वेश्चन जो है अभी आप डिस्प्ले पे पढ़े हैं तो वो डिस्प्ले वाला क्वेश्चन को जब अच्छे से पढ़े रहेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो उसमें एक्स अक्ष बिंदु की बात कहा जा रहा था क्वेश्चन में, अगर एक्स अक्ष बिंदु पूछेगा तो आपको बिंदु एक्स कामा जीरो मानिएगा, ठीक ना। अगर वाई अक्ष क्वेश्चन पूछ दिया है तो आपको याद रखिएगा जीरो कामा वाई मानते हैं, एक्स अक्ष पर बिंदु एक्स कामा जीरो, वाई अक्ष पे बिंदु क्या मानते हैं जीरो कामा वाई। यहाँ दो क्वेश्चन बन सकता है, कभी कभी पेपर में एक्स अक्ष पे भी पूछ सकता है, दूसरा क्वेश्चन आपका वाई अक्ष पे भी पूछा जा सकता है। तो एक्स अक्ष पे बिंदु हम क्या मानेंगे एक्स कामा जीरो, और इधर हमारा ए का निर्देशांक आप पेपर में पढ़ेंगे, ए का मान आपका क्या दिया था दो कामा माइनस पांच था, और बी का मान क्या दिया माइनस दो कामा आपका क्या है नौ है। तो इसमें समदूरस्थ है, समदूरस्थ का मतलब दूरी क्या है आपस में बराबर है, कहाँ से P जो देख रहा है P से A की बीच की दूरी और P से बीच की B के बीच की दूरी आपस में क्या है समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब ये दोनों के बीच की दूरियां क्या है बराबर हैं। तो यहाँ लिख देंगे PA के बीच की दूरी, जो PA के बीच की दूरी और PB के बीच की दूरी आपस में क्या है बराबर है, ये प्रश्न में दिया गया था। तो PA के बीच की दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी का सूत्र आपको याद होना चाहिए, दूरी का सूत्र जब याद नहीं रहेगा तो पेपर में लग नहीं पाएगा, इसलिए सूत्र भी आप लोग याद करते चलिए साथ में। तो सूत्र होता है अंडर रूट एक्स वन माइनस एक्स टू का वर्ग प्लस वाई वन माइनस वाई टू का वर्ग, है ये वही सूत्र इधर का भी पीवी के बीच की दूरी के भी सूत्र वही होगा एक्स वन माइनस एक्स टू का वर्ग प्लस वाई वन माइनस वाई टू का वर्ग, ये सूत्र होता है। अब ये पीए के लिए सूत्र लिखा गया है और ये पीवी के लिए लिखा गया। अब देखेंगे पीए में देखेंगे पी को हम आपका माने एक्स वन वाई वन, इसको माने एक्स टू वाई टू, माने एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू। तो एक्स वन कितना है तो आपको एक्स वन के सामने लिखेंगे एक्स लिख देंगे, एक्स टू कितना है तो एक्स टू देखिए ध्यान से दो है, ये ए की बात कर रहे हैं, ए में आपको भरना है और बी के लिए भरना है। तो एक्स टू आपको क्या है आपका दो हो गया, प्लस उतर गया वाई वन, वाई वन क्या वाई वन आपका जीरो हो गया, वाई टू कितना आपका माइनस था इसमें प्लस पांच हो जाएगा, माइनस माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा, वर्ग हो गया बराबर। अब यह जो दूरी लिखेंगे बी के लिए लिखेंगे, तो एक्स वन आपका एक्स वन आपका एक्स रहेगा, एक्स टू क्या था माइनस दो था इसमें प्लस दो हो जाएगा, वाई वन क्या है तो जीरो लिख देंगे, वाई टू आपका नौ है तो आपका नौ लिख देंगे। फिर आपका अंडर रूट क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट है लिखेंगे आपका यहाँ पर अंडर रूट में आपका हो जाएगा एक्स माइनस आपका दो का होल वर्ग प्लस पांच का वर्ग हो जाएगा, फिर पांच का वर्ग बराबर अंडर रूट आपका फिर लिखेंगे आपका यहाँ पे एक्स प्लस दो का होल वर्ग प्लस आपका जी माइनस नौ का होल वर्ग हो गया है। इसके बाद से पांच का वर्ग क्या हो जाएगा आपका, पांच का वर्ग आपको याद रखिएगा पांच का वर्ग आपका पच्चीस होगा, और यह माइनस नौ का वर्ग जो होगा आपका इक्यासी हो जाएगा, इक्यासी प्लस इक्यासी होगा, याद रखिएगा वर्ग से जो है माइनस हट जाता है। तो अब करणी हटाने के लिए नियम होता है, अगर दोनों पक्ष में करणी है तो दोनों पक्षों में वर्ग कर देते हैं तो करणी क्या हो जाता है हट जाता है। तो ये समझ में आ रहा होगा, ये मान आपको पीए के लिए भरे हैं, इधर आपको पीवी के लिए भरे होंगे, आप लोग भी अपने रफ पर एक बार नोट करते चलेंगे जिससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो अब यहाँ से हम यहाँ आगे बढ़ेंगे, अभी इसको सॉल्व कर दिया जाएगा तो जो एक्स और मान आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या बगला हमारा होगा, अब यहाँ पे जो है आपका जो सूत्र देख अब इसका जो है एक्स माइनस दो का आपका होल वर्ग हो गया, यहाँ उतार देंगे पाँच का वर्ग जो है पच्चीस हो जाएगा, अंडर रूट में आ जाएंगे, यहाँ का हो जाएगा आपका एक्स प्लस आपका दो का होल वर्ग हो जाएगा प्लस आपका हो जाएगा आपका इक्यासी। करणी हटाने के लिए क्या लिखेंगे आपको, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर आपको वर्ग कर दिया जाएगा। वर्ग करने पर वर्ग क्यों करते हैं, जब दोनों पक्ष में करनी हो तो आपको क्या करेंगे, करनी हटाने के लिए दोनों पक्ष में एक्स माइनस दो का आपका होल वर्ग हो गया प्लस आपका पच्चीस हो गया, यहाँ पे आपका दो घात लगा देंगे बराबर आपका अंडर हो गया, एक्स प्लस आपका दो का होल वर्ग हो गया प्लस आपका इक्यासी आपका हो जाएगा होल वर्ग हो जाएगा। अभी दो घात से इसका करनी हटा दीजिए, अब एक्स माइनस दो का आपका होल वर्ग हो गया प्लस पच्चीस हो गया बराबर आपका एक्स प्लस आपका दो का होल वर्ग हो गया प्लस आपका इक्यासी हो गया, समझ आ रहा होगा। अब यहाँ से क्या होगा आपका, अब इसका होल स्क्वायर तोड़ना पड़ेगा, इसका होल स्क्वायर ए माने बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ना पड़ेगा। तो ए माने बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा आपका दो का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस दो गुड़े एक्स गुड़े आपका दो हो गया है प्लस आपका पच्चीस होगा बराबर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस आपका यहाँ पर आपका दो का स्क्वायर हो जाएगा प्लस आपका दो गुड़े एक्स गुड़े आपका दो हो गया प्लस आपका इक्यासी होगा, मैंने ए का वर्ग बी का वर्ग प्लस टू ए बी सूत्र से आपको भर दिया गया प्लस इक्यासी होगा। फिर आपका एक्स का वर्ग उतर गया, दो का वर्ग आपका चार हो गया, आपका दो दूना आपका दूना आपका हो जाएगा आपका चार एक्स हो गया है प्लस आपका पच्चीस हो जाएगा बराबर आपका एक्स स्क्वायर हो गया, फिर चार हो गया प्लस चार एक्स हो जाएगा प्लस आपका इक्यासी हो गया। अब थोड़ा यहाँ पे थोड़ा डायरेक्ट काम करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन जो है विकल्प वाला क्वेश्चन है,
वहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को काट देंगे, आपको चार से चार को भी काट दीजिए, ये चार एक्स को इधर लाएंगे, पच्चीस को पछाड़ करिए, माइनस चार एक्स उतर गया, यहाँ लिखेंगे आपका माइनस चार एक्स हुआ बराबर आपका इक्यासी माइनस आपका पच्चीस हो जाएगा। फिर दूसरे लाइन से लिख देंगे आपको यहाँ पर देखिए माइनस चार का एक चार एक्स इधर आया और यह पच्चीस आपको पछाड़ किए हैं, तो माइनस चार मिल करके कितना हो जाएगा, तो आप क्या देखिए माइनस आपका आठ एक्स हो जाएगा, घटाएंगे आपका आपका हो जाएगा छप्पन, क्या हो जाएगा आपका छप्पन, आठ को नीचे भेज दीजिए आपका आएगा आप आठ को जब नीचे भेजेंगे आपका, इसे नोट भी करते रहिएगा साथ में, जब हम नोट कर रहे हैं तो आप भी रफ पर इसको हल करते चलेंगे जिससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो एक्स बराबर आपका छप्पन बटा ये आपको गुड़ा है, यहाँ बीच में गुड़ा है नीचे जाएगा तो आपको भाग बन जाएगा माइनस आठ, आठ सत्तर छप्पन, एक्स बराबर माइनस सात। हम यहाँ पर जो बिंदु माना गया था किस बिंदु पर, एक्स अक्ष पे बिंदु क्या माना गया था आपका एक्स कामा जीरो, एक्स का मान कितना है आपका, एक्स का मान आपका माइनस सात कामा जीरो, तो आप ये आंसर आपको समझ में आएगा, बिंदु हमारा ऑप्शन होगा आपका क्या नाम माइनस सात कामा जीरो, जो आपको डिस्प्ले पे एक बार और क्वेश्चन को देख लीजिए, इसमें ऑप्शन चेक कर सकते हैं कि ऑप्शन कौन सा सही है। तो ऑप्शन आपको कौन सा सही पता चला, तो पहला ऑप्शन जो है माइनस सात कामा जीरो जो देख रहे हैं ये ऑप्शन क्या है सही है, तो आप इसको उत्तर देख लीजिए माइनस सात का मान जीरो किस नंबर पे है, तो आपको पहला नंबर पे आपका ऑप्शन क्या है सही है। अब अगला क्वेश्चन जो है आपको डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा होगा, तो इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लीजिए और उसको ध्यान से समझ लीजिए क्या है। तो ग वाला क्वेश्चन है, लिखा है चित्र में यदि ओ वृत्त का ओ वृत्त के आपका ओ केंद्र के वृत्त के पी क्यू और पी आर दो स्पर्श रेखाएं हैं और कोण पी कोण क्यू पी आर बराबर आपको दिया है 46 अंश, तो कोण क्यू ओ आर का मान होगा। इस चित्र को आप लोग अच्छे से देख लीजिए, इसमें चार ऑप्शन भी दिया है, पहला ऑप्शन आपको 44 है, दूसरा ऑप्शन 46 है, तीसरा ऑप्शन 134 है और चौथा ऑप्शन 314 है। तो इसमें से इसको आप लोग चित्र पर ही ध्यान देना है, चित्र के माध्यम से इसको सॉल्व करना है, तो चित्र इसको समझिए। चित्र जो देख रहे हैं इस चित्र में ध्यान देंगे, चित्र में आपको सब थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको आंसर आपको आ जाएगा। ये ओ का समझिए आपका केंद्र पे ही आपको पूछा जा रहा है कि मान क्या होगा आपका, आपका कोण क्यू ओ आर का मान पूछा जा रहा है। तो यह देखेंगे ध्यान से, एक चतुर्भुज है और चतुर्भुज के चारों कोणों का मान क्या होता है 360 अंश होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों को जोड़ेंगे तो कितने होते हैं, तो 360 अंश होता है। पहला कोण बताइए कितना दिया है, तो पहला कोण आपको 46 दिया है, दूसरा कोण यहाँ जान लीजिए 90 है, ठीक है। यहाँ पे नीचे जब स्पर्श रेखा खींचते हैं तो यहाँ 90 अंश का कोण बनता है और यहाँ पर भी 90 अंश है, बस यहाँ छिपा है, बस थोड़ा सा जब ध्यान देंगे तो आपको समझ आ जाएगा 90 अंश है 90 अंश, तो ये आपको 90 हो गया आपका प्लस आपका 90 हो गया और हमारा एक केंद्र पे हमें कोण हमें मालूम नहीं है, तो इसका क्या नाम है कोण आपका क्यू ओ आर बराबर क्या करेंगे 360, ये जोड़ लेंगे तो आपको हो जाएगा 200 आपका 26, क्या हो जाएगा आपका 226 980 और 226 हो जाएगा प्लस आपका क्यू आपका ओ आर बराबर 360, 226 को पछांतर कर दीजिए, 226 आपका पछांतर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 360 में से आपका 360 में से क्या घटेगा आपका 226 घट जाएगा, तो आपका कोण क्यू ओ आर बराबर 134 अंश आपका आंसर आ गया। कितना आसान है बताइए, चतुर्भुज के चारों कोणों का मान 360 होता है, पहला कोण 46 दिया है, दूसरा कोण 90 अंश इसमें छिपा है, तीसरा कोण भी आपका 90 अंश है, चौथा कोण आपका पूछ रहा है, बड़ा 360 कर देंगे जोड़ देंगे 226, 226 को पछांतर कर देंगे 134, तो इसमें ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन आपका क्या है सही है। इसमें ऑप्शन आप चेक किए होंगे कौन सा ऑप्शन सही आपको दिखाई दे रहा होगा, तो आपको तीसरा ऑप्शन देख लीजिए 134 क्या है सही है। अगला जो क्वेश्चन देख रहे हैं आपको दिया 2 tan 30 बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 का मान होगा, इसमें चार विकल्प इसमें भी दिया है, cos 60 sin 60 tan 60 आपको cot 60 में चार विकल्प इसमें दिया है, तो इसको ऑप्शन को देख लीजिए, त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है, देखने में लग रहा है कितना बड़ा है लेकिन इस सवाल क्या है बहुत आसान, एक लाइन का आंसर है आपका क्या सवाल में 2 tan 30 देखे हैं आपका 2 tan 30 आपको दिया है क्वेश्चन में आपका 2 आपका tan आपका 30 बटा 1 माइनस tan स्क्वायर आपका 30, तो ये ध्यान से जब देखेंगे तो ये सूत्र है, बस सूत्र भी भर के रखा हुआ है, सूत्र भी बगल में लिख दे रहे हैं, सूत्र आपका क्या है, सूत्र होता है 2 tan a बटा 1 माइनस tan स्क्वायर a, ये सूत्र किसका होता है तो याद रखिएगा tan 2 a, किसका सूत्र है tan 2 a का, तो आपका सूत्र क्या बना आपका tan उतर गया 2 उतर गया 1, ए का मान पता लगे क्या दिया, ए का मान यहाँ देखिए ए ए है, इसीलिए ए ए का मान यहाँ क्या 30 है, यहाँ 30 रख दीजिए, अब क्या होगा टेन कितने अंश का हो गया 60, कितना आसान है।
tan 60 हंस का मान है। ये पूरे सूत्र को ध्यान देंगे, सूत्र सामने मैंने लिख दिया, 2 tan a / 1 - tan square a किसका सूत्र होता है, तो आपको tan 2a का सूत्र होता है। याद रखिए तो tan ऊपर गया, 2 हो गया, a का मान क्या 30, 30 दूना 60, tan 60 हंस। ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो आपको पहला ऑप्शन क्या दिया था आपका का 60, ये नहीं होगा, दूसरा sin 60 नहीं tan 60, तीसरा ऑप्शन क्या है सही है। अगला क्वेश्चन आप डिस्प्ले पे देख रहे होंगे, लिखा है एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेमी लंबी है, कितने सेमी लंबी है 8 सेमी लंबी है, 5 मिनट में सुई द्वारा बनाए गए आपका त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, कितने मिनट में पूछ रहा है, तो 5 मिनट में आपको मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आपको क्या होगा। ऑप्शन देखिए क्या दिया, पहला पाई आर स्क्वायर बट्टा 60, दूसरा ऑप्शन है पाई आर स्क्वायर बट्टा 12, दूसरा ऑप्शन है 2 पाई आर बट्टा 12, तीसरा ऑप्शन है 2 पाई आर बट्टा 60 आपको दिया है, इसमें कौन आपका ऑप्शन होगा। तो यह भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है, अभी इस क्वेश्चन के बारे में समझा जाए। तो 5 मिनट में सुई द्वारा घुमा कोण, अब देखिए 5 मिनट में क्वेश्चन में दिया गया था, तो 5 मिनट में सुई द्वारा आपका घुमा कोण कैसे निकालेंगे, तो थीटा कहेंगे, कोण को हमेशा थीटा से प्रदर्शित करते हैं, और पूरा एक जो गोला देखते हैं वो 360 अंश का कोण बनता है, कितने अंश का, तो 360 अंश का। तो 5 मिनट में पूछ रहा है, तो आपको 5 मिनट में आपको बताना है, तो 1 मिनट में कितने अंश का होता है, 60 से भाग करेंगे, 1 मिनट का होगा 5 से गुणा कर लेंगे, आपको मालूम हो जाएगा। तो 360 एक पूरा चक्कर लगाएगा मिनट का, जो हमारा आपका मिनट की आपका सुई है ना, तो पूरा एक चक्कर लगाने में कितना मिनट लगेगा आपका, आपका 60 मिनट, 60 मिनट मतलब एक घंटा। तो यहाँ 360 में से 60 से भाग करेंगे तो आपको क्या जाएगा, 0 से 0 खत्म हो जाएगा आपका, 6 6 36 आपका मतलब 6, अब ये 6 लिख दिए हैं, 6 × 5 6 × 36, 1 मिनट में कितना कोड बनता है, तो याद रखिएगा, अब 5 मिनट में कितना कोड बनता है, तो 30 अंश का कोड बनता है, 5 मिनट में कितना कोड बना, तो 30 मिनट का कोड बनता है। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, थीटा बट्टा 360 पाई आर का स्क्वायर होता है। तो थीटा का मान क्या रख सकते हैं, तो 300 आपको थीटा का मान क्या दिया है आपका 30, तो आपको 30 रखेंगे, 360 हो गया, पाई आर स्क्वायर हो गया, 0 0 खत्म हो गया, इसको काट देंगे आपका 12 आ जाएगा, इसका मतलब पाई आर स्क्वायर बट्टा आपका 12। तो बहुत आसान है, 5 मिनट में कितना कोड बना, 30 अंश का कोड बना, ये थीटा का मान 30 रख दीजिए और उसको 360 से काट देंगे, 360 को 30 को काटेंगे तो कितना आएगा आपका, ये 12 नीचे आ गया, तो पाई आर स्क्वायर बटा आपको क्या आ जाएगा 12। तो आप ऑप्शन चेक कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन क्या है इसमें सही है, तो ऑप्शन चेक किया है तो क्या पता चला आपका दूसरा ऑप्शन जो है सही है, दूसरा ऑप्शन क्या है पाई आर स्क्वायर बटा आपका 12। तो अगला क्वेश्चन हम देख रहे होंगे, डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा होगा आपका, एक थैले में 3 लाल 2 नीली गेंद है, याद रखिएगा, एक थैले में 3 जो है लाल गेंद है और 2 जो है नीली गेंद है, लिखा है गेंद से यादृच्छया एक गेंद निकाली जाती है और उसको निकाली या नीली गेंद निकालने की प्रक्रिया ज्ञात करना है। आपको एकदम याद है कि हमने नीला गेंद निकाले थे, ये भी आपको यादृच्छया मतलब आपको एकदम याद है कि हमने नीला गेंद निकाले थे, उसकी क्या प्रक्रिया होगी। तो थैले में आपको पहले लाल गेंद कितना था, तो लाल गेंद आपको याद रखेंगे, थैले में जो है आपका 3 लाल गेंद है और 2 जो है नीला गेंद है, यहाँ लिख देंगे आपका लाल गेंद बराबर आपके लिखाएगा आपके यहाँ पे लाल गेंद आपको कितना है, तो लाल गेंद बराबर आपका 3 है और नीली गेंद कितना है, तो लिखे में नीली गेंद जो है आपका क्या है 2 है। तो कुल गेंद कितना हो जाएगा आपका, तो कुल गेंद बराबर आपका हो जाएगा, कुल गेंद बराबर 3 + 2 = 5, 5 गेंद टोटल गेंद कितने हैं, तो 5 है। आपको परीक्षा पूछ रहा है नीली गेंद पर, लाल गेंद पे पूछेगा तो लाल गेंद, यहाँ पे 2 क्वेश्चन बन सकता है, लाल गेंद पे भी बन सकता है, नीली गेंद पे बन सकता है, कोई गेंद पे नहीं बन सकता है यहाँ पे, तो इसमें ऑप्शन जो है नीली गेंद पे पूछा है, अब लिखेंगे आपका यहाँ पे नीली गेंद, नीली गेंद की परीक्षा क्या होगा, नीली गेंद की क्या है परीक्षा, बहुत आसान है, नीली गेंद की परीक्षा कैसे निकालेंगे, तो नीला गेंद की परीक्षा कैसे, अनुकूल बटा कुल सूत्र होता है परीक्षा का, अनुकूल बटा कुल, अनुकूल मतलब हमको नीला गेंद कितना लिए थे, हम 2 लिए थे, कुल गेंद कितने था 5 था, आंसर हो गया, कितना आसान है बताइए। नीले गेंद पे आया तो 2/5, अगर आपको लाल गेंद पे पूछा होता तो 3/5 हो जाता। तो इसमें ऑप्शन चेक कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन क्या है सही है, तो इसमें ऑप्शन आपको देख लीजिए आपका ऑप्शन क्या है, तो इसमें ऑप्शन आपका हो गया 2/5 जो है, तीसरा ऑप्शन आपका क्या है सही है। तो समझिए विकल्प वाला क्वेश्चन आपको क्या हो गया, फाइनल हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे 2 का क, तो 2 का क डिस्प्ले पे देख लीजिए, बहुत ये भी आसान है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको ये भी क्वेश्चन क्या है बहुत आसान है। लिखा है चित्र में यदि AO/OC = BO/OD = 1/2, देख लीजिए आप चित्र देख भी रहे होंगे, उसके बाद और AB बराबर क्या दिया है 5 सेमी है, तो कह रहे DC का मान आपको ज्ञात करना है।
इस चित्र में किसका मान पूछ रहा है, तो आपको डीसी का मान पूछ रहा है। एक नंबर का क्वेश्चन है, एक नंबर में पूछा गया है, तो देखिए कैसे इसको लगाया जाता है। तो चित्र सामने देख लीजिए, चित्र में आपको यह चित्र बनाया गया था, इसमें आपके 5 सेमी है, आपको डीसी का मान पूछ रहा है कि कितना होगा। तो सबसे पहले आपको यह दिया हुआ, तो इसको नोट कर लेंगे। क्वेश्चन में दिया था कि AO बटा OC बराबर BO बटा OD बराबर 1/2। समरूपता के नियम से सूत्र याद रखिएगा, समरूपता के नियम क्या होता है, AO बटा OC। देखिए क्या है आपका, यहाँ से OA, नीचे आपका क्या है OC, ऊपर नीचे दोनों लिया आपने, अब अनुपात OA OC, इधर का जाएगा आपका हो जाएगा OB OD, तो यहाँ का हो जाएगा आपका AB बटा DC। ये फार्मूला है, इसी फार्मूला पे इसको लगाया जाएगा। इसका टोटल पूरा मान आपको देख लीजिए, ऊपर दिया है, इसका मान क्या है 1/2, रख दीजिए 1/2। AB का मान क्या है, तो AB का मान 5 है। किसका मान पूछा है, तो DC का मान पूछा है। इसका मान टोटल 1/2 दे चुका है, देख लीजिए ऊपर दिया हुआ है, यहाँ कैसे गुणा कर देंगे DC का, कितना क्या होता है, कितना आसान है 10 सेमी, कितना आसान है, एक नंबर का क्वेश्चन है, बहुत आसान है, इसमें आसान तो देखा नहीं है। तो आप अगला क्वेश्चन आप जो है तो आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन डिस्प्ले पे देख लीजिए कौन सा क्वेश्चन है। तो आपको क्या है, अगला क्वेश्चन जो है डिस्प्ले पे आपको दिखाई दे रहा होगा, साइन आपको 27/63 का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन 27/63 का मान होगा, ये भी आपको एक नंबर का क्वेश्चन है, बहुत आसान भी है, क्वेश्चन के बारे में क्या रखेंगे, क्वेश्चन में आपको जो है साइन 27/63 अंश का मान आपको ज्ञात करना है, एक नंबर का है और इसका उत्तर भी एक आएगा। ऐसे क्वेश्चन आप देखेंगे ना तो आपको निश्चित एक नंबर का आता है, बहुत आपको साइन कास्ट दिया हो और इसको जोड़ने पे 90 हो, जोड़ने पे 90 हो और साइन कास्ट दिया हो तो समझे उत्तर इसका एक। आप ऐसे अगर ऑप्शन में देता है, ऑप्शन में दिया रहेगा क्वेश्चन, यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि जब ऑप्शन में क्वेश्चन है पूछेगा इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, इसका उत्तर जो देखिए साइन और कास्ट दिया हो जोड़ने पर 90 अगर आता हो, दोनों के जोड़ 90 आता हो तो इसका उत्तर समझिएगा एक आएगा, बहुत आसान है। इसमें दोनों में किसी एक को बता दीजिए, साइन उतार देंगे, साइन आपको 90 में से आपको 63 घटाएंगे, तो 90 में से 63 घटेगा तो क्या होगा 27 होता है, बटा नीचे क्या उतरेगा आपका कास आपका 63। हमारा सूत्र क्या बना आपका साइन, आप सूत्र जानते होंगे, साइन 90 - θ बराबर क्या होता है आपका cos θ होता है। साइन 90 - θ क्या सूत्र होता है, cos θ। देखिए θ है, यहाँ θ लिखना है, ऐसे देखिए साइन 90 - 63 है, तो 63 है तो आपका लिखेंगे आपको cos 63 लिखेंगे, cos 63 बटा नीचे का लिख देंगे आपका cos 63, cos 63 से 63 खत्म हो गया, बराबर एक आपका आंसर, इतना आसान है। समझा गया और नहीं समझा तो समझा दे रहे, साइन 27 है तो का लिखेंगे साइन 90 में से 63 घटाना है, नीचे वाला ही ऊपर घटेगा याद रखना है, या ऊपर या नीचे दोनों में से किसी को बदलना है तो हमने ऊपर वाले को बदले हैं। साइन 90 - 63 आपको क्या बनेगा cos 63, cos 63 से cos 63 कट जाएगा, आपका उत्तर आपका आगे ए। अगला क्वेश्चन जो है आप डिस्प्ले पे देख रहे होंगे, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन जो दिया गया है बहुत ये भी आसान है, बस आप अपने कापी पे हल करते चलिए, साथ में अगर हल करते चलते हैं तो आपको बहुत आसान होगा। दिया गया आपका त्रिज्या आर के एक अर्ध वृत्त के अंदर खींचे जा सकने वाले बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक त्रिज्या उस जो है उसका आर त्रिज्या है, माने आपका वृत्त अर्ध वृत्त है और उसकी त्रिज्या क्या है आपका आर है, और उसके अंदर खींचे जा सकने वाले सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो इसके अंदर सबसे बड़ा जो त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल आपको पूछा जा रहा है। इसका मतलब ये कि यहाँ पे आकृति बनाना पड़ेगा और उस आकृति बना करके इसको लगाया जाएगा, तभी समझ में आपको सवाल आ जाएगा। तो 2 का घ के बारे में हमको जानकारी रखेंगे, तो 2 का जो घ है यहाँ चित्र को समझेंगे। अब यहाँ पे आर त्रिज्या का वृत्त, वो भी आपका अर्ध वृत्त लेना है, तो हमने पूरा वृत्त बनाए थे, उसकी त्रिज्या क्या था आपका आर है, तो उसको यहाँ से मिटा देंगे तो अब हमारा क्या बन गया आपका अर्ध वृत्त। अर्ध वृत्त का जो त्रिज्या है यहाँ से लेकर के इधर के जो हम दूरी होती है इसको त्रिज्या कहते हैं, इसको आर कहते हैं, इधर का भी दूरी आपका क्या जाएगा आपका आर होगा, टोटल आपका दूरी अब इसमें आपको जोड़ा जाएगा तो 2R हो गया। तो इसमें अगर AC पूछा जाए कितने के बराबर हुआ, तो AC कितने के बराबर होगा, तो यहाँ तक आपका आर और यहाँ से लेकर के आपका यहाँ तक पूरा लेकर के आपका R, तो R जोड़ेंगे तो कितना होगा 2R, तो यहाँ लिखेंगे AC बराबर कितना हो गया आपका 2R हो गया। AC कितने के बराबर है तो 2R के बराबर हो जाएगा। AB बराबर BC है, AB जितना लंबा है उतना ही लंबा आपका BC है, तो AB बराबर आपको क्या है BC है, दोनों आपको आपस में क्या है बराबर है। तो एक सूत्र पढ़े होंगे आपका पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कि कोण बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस का होता है आधार का वर्ग। तो यहाँ कोण क्या है आपका, तो कोण आपको सबसे बड़ा भुजा इसमें AC है, तो आपको AC का वर्ग बराबर हो जाएगा लंब आपका AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। यह चित्र से लिख दिया गया आपका AC माने कोण है, AB जो है लंब है, BC हमारा जो है आधार है।
तो आपको यहाँ ए सी कितने के बराबर है आपका, तो 2R के बराबर है, तो 2R लिख देंगे यहाँ पर। और यहाँ ए बी कितने के बराबर, देखिए ए बी कितने के बराबर है, बी सी के है, तो आपको बी सी का वर्ग हो गया प्लस बी सी का वर्ग, ये बी सी उतार देंगे। 2 का वर्ग क्या होता है 4R स्क्वायर होता है, बराबर 2 बी सी का स्क्वायर हुआ, दोनों जोड़ेंगे तो आपका 2 बी सी स्क्वायर हो जाएगा आपका, 1 बी सी स्क्वायर, 1 बी सी, 2 बी सी स्क्वायर, 2 बी सी स्क्वायर और 4 आपको आर स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको यहाँ लिख दीजिएगा आपका, या याद है कि कामा दे दीजिएगा, 2 बी आर स्क्वायर, 4 आपको आर स्क्वायर हुआ, बी सी बराबर आपको हो गया 4R स्क्वायर बटा आपका 2, ये 2 आपसे 2 से इसको 4 को काट देंगे, 2 से 4 को क्या कर देंगे, काट देंगे, दो बार में गया तो आपका आ गया BC बराबर 2R स्क्वायर, BC का कितना आ गया आपका 2R स्क्वायर। ये 2 घात जब इसके ऊपर जाएगा, ये 2 घात जब इसके ऊपर जाएगा तो अंडर लग जाएगा, याद रखिएगा जब ये 2 घात इसके ऊपर भेजे तो अंडर रूट 2R स्क्वायर हुआ। अब ये R स्क्वायर देख रहे हैं, R स्क्वायर का कांडी इसका हट जाएगा, सिर्फ आपका R रहेगा, ये वर्ग से इसका कांडी हट जाएगा, लेकिन 2 आपको कांडी के अंदर रहेगा। तो BC कितने के बराबर आ गया, तो BC कितने के बराबर आ गया अंडर रूट 2R के बराबर आया। और यहाँ पे जो है समीकरण नंबर इसको 1 मान लीजिएगा, AB कितने के बराबर है तो BC के बराबर है, तो AB बराबर क्या है आपका BC है, फिर आपका AB बराबर BC का मान क्या है, तो BC का मान देख लीजिए अभी यहाँ निकला, BC का मान क्या अंडर रूट 2R, अंडर रूट 2R हो गया, तो समझ में आ गया होगा। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो 1/2 आधार गुणे क्या होता है लंब होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल तो पढ़े होंगे 1/2 आधार गुणे क्या होता है लंब होता है, 1/2 उतर गया, आधार क्या है तो आधार आपको BC माने हैं, लंब क्या माने हैं तो AB माने हैं, फिर 1/2 उतर गया, BC का मान कितना निकला है, तो BC का मान अंडर रूट 2R निकला है, AB का मान भी आपको कितना निकला, तो अंडर रूट 2R निकला है, फिर 1/2 को आप उतार देंगे। कर्णी 2 का गुणा जब कर्णी 2 में करेंगे, याद रखिएगा जब दोनों कर्णी 2 का गुणा करेंगे तो आपको कर्णी हट जाता है, सीधे आप 2 लिख दीजिएगा, और R में R का गुणा करेंगे तो क्या जाएगा आर स्क्वायर होगा। अब यहाँ 2 से 2 को काट दीजिए, क्या बचा आर स्क्वायर, तो याद रखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आया आपका आर स्क्वायर, इसे अपने कापी में जरूर नोट करिए, जिससे आपको क्या हो जाएगा बाद में आप इसको समझ सकते हैं बढ़िया से, इसे नोट कर लीजिएगा ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जो है आपको डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा होगा, तो क्वेश्चन जो हमारे डिस्प्ले पे देख रहे होंगे आप पढ़ेंगे इसके बाद से, क्वेश्चन जो है नंबर आपका आ गया आपका 2 का जो है घ। अब 2 का घ में क्या है परिकता ज्ञात कीजिए, यदि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करके ऐसे 35 तक आपको दिया गया, बीच में आपको 4 के बाद संख्या है, कहाँ तक गया 35 से चुनी गई संख्या लिखा 7 का गुणज है, आपको जो प्रायिकता ज्ञात करना है वो आपको टोटल कुल संख्या 35 दिया, उस 35 वाले संख्या में से 7 का गुणज को निकालना है और उसका उसकी प्रायिकता ज्ञात करना है, तो प्रायिकता बहुत ही भी क्या है आसान है। तो कैसे प्रायिकता ज्ञात करेंगे, तो आपको टोटल संख्या जो है कितना आपका है 35 तक है, जिसको यहाँ नोट कर लेंगे आपका 35 तक है, तो क्या यहाँ नोट करेंगे आपका यहाँ से 1 लिखेंगे आपका 1 2 3 आपका 4 डाटा करके ऐसे आपका कितना 35 है टोटल, यहाँ लिख सकते हैं कुल स्थिति इसमें कितनी है, तो लिखेंगे आपका कुल स्थिति जो है इसमें आपका टोटल 35 है, इसके अंदर टोटल संख्या कितनी है 35 है, इसमें आपको 7 से आपको विभाज संख्या लिखना है, 7 से विभाज संख्या कौन कौन है, तो 7 से विभाज संख्या कौन होगा, तो पहला तो 7 होगा, दूसरा का आपका 14 होगा, 7 3 21 होगा, 7 4 28 होगा, 7 5 35 होगा, अब यहाँ 7 होगा, 14 होगा, 21 होगा, 28 होगा, 35 होगा, इसमें बताया कि अब अनुकूल स्थिति कितना आया, तो इसका अनुकूल जो स्थिति जो आया अनुकूल स्थिति इसमें देखेंगे आपका आया आपका 1 2 3 4 5 आपका अनुकूल स्थिति आपका आया 5, टोटल 5 संख्या है, इसने अनुकूल स्थिति 5 लिखे। अब यहाँ सूत्र लिखेंगे आपका प्रायिकता, प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, प्रायिकता का सूत्र होता है कुल स्थिति बटा कुल नहीं अनुकूल स्थिति है, लिखेंगे आपका अनुकूल स्थिति बटा आपका लिखेंगे आपके यहाँ पर अनुकूल स्थिति बटा आपका कुल स्थिति होता है, अनुकूल स्थिति बटा क्या हो जाएगा आपके यहाँ पर कुल स्थिति आपका हो जाएगा, अनुकूल बटा कुल आपकी स्थिति, अनुकूल कितना बताइए अनुकूल कितना है, तो आपको अनुकूल 5 है, कुल स्थिति आपका 35 है, 5 × 5 = 35 इसका मतलब 1/7, इसकी परीक्षा कितना आ गया आपका 1/7, तो समझ में आ गया कुल संख्या आपका 35 था और 7 से विभाज इसी के अंदर 7 से विभाज आपको लाना है 35 तक के, 7 14 28 21 हो जाएगा, 28 हो जाएगा और 35, टोटल संख्या कितना होगा आपका 5, प्रायिकता का सूत्र क्या होता है अनुकूल स्थिति बटा कुल स्थिति, अनुकूल 5 है, कुल स्थिति आपका 35 है, 5 × 5 = 35 1/7, तो समझ में आपको आ गया होगा ये प्रायिकता। तो अगला क्वेश्चन जो है डिस्प्ले पे आपको दिखाई दे रहा होगा, अब इस क्वेश्चन को देख लीजिए, इसमें दे रहा है आपका 3 का आ गया आपका यहाँ पे क, बिना लिखा लिखा गया क्वेश्चन, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए दिखाइए कि परिमेय जो संख्या है 17/8
शांत दशमलव है या अशांत आवर्ती दशमलव है, बिना वास्तविक विभाजन किए इसका दशमलव प्रसार भी आपको ज्ञात कीजिए। तो आपको इसमें बताना है कि शांत है कि आपका अशांत है, आवर्ती दशमलव है, बिना वास्तविक विभाजन किए इसका क्या ज्ञात करना है, दशमलव प्रसार भी आपको ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन जो है 2 नंबर का है, अब इसे ध्यान से समझेंगे, ये भी बहुत आसान है। तो 2-3 का के बारे में जानकारी रखेंगे। तो यहाँ 17/8 दिया है, इसमें पहले हर से ही आपको पता चलेगा कि शांत है कि अशांत है, आपको 8 है तो अब 8 के गुणनखंड लिखेंगे। तो 8 का गुणनखंड क्या लिख सकते हैं, 2×2×2, तो 2×2×2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर कितना लिख सकते हैं, 3, तो 2×2=4, 2×8 2×2=8, इसका 2 की पावर 3। यहाँ किससे गुणा कर सकते हैं, 1 है, यहाँ 1 जो है 1 के जगह पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आपका 5 के ऊपर 0। 5 के ऊपर 0 का मान पी क्या होता है, आपका 1 होता है, और 1 में गुणा करेंगे तभी आपको क्या होगा, 8 ही होगा। 5 के ऊपर 0 का घात का मान 1, और 1 में आपको इसमें 8 में गुणा करेंगे तभी 8 हो गया। इसका मतलब जब बटे के नीचे याद रखिएगा 2 और 5 का गुणनखंड इसमें दिया रहे, 2 और 5 के अलावा अन्य भी कोई संख्या आता है हर के नीचे, तो आपको शांत दशमलव के रूप में माना नहीं जाता है, आपको 2 और 5 रहना चाहिए उसके हर। तो 2 और 5 अगर हर में आ गया तो समझे शांत दशमलव में है। तो लिख देंगे 17/8 जो है दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, क्योंकि 2 और 5 आ गया है। अब 17/8 को फिर से नोट करेंगे तो 17 आपको उतार देंगे, 8 को 2 के ऊपर 3 घात, और यहाँ आपको 5 चाहिए, 5 बनाना है, तो हमें यहाँ पे देखिए 3 घात है ना, तो इसलिए 5 के ऊपर 3 घात, यहाँ 2 के ऊपर 3 घात है, तो 5 के ऊपर 3 घात से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो मान आपस में भी क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो आपको ऊपर देखिए इसी से काट देंगे, यह दोनों कट जाएगा, तो 17/8 आपस में क्या बराबर है, ये क्यों तो आपको 3 घात से गुणा किया, 5 के ऊपर 3 घात जो है आपको 2 के पावर 3 है, तो 5 के पावर 3 से अंश और हर में गुणा कर लेंगे, 17 उतर जाएगा, 5 के ऊपर 3 बार करेंगे तो 125 होगा, और दोनों का जो पावर देख रहे हैं 1 पे कर लेंगे, 5×10 आपका हो जाएगा, ठीक है, 5×10 आपका हो जाएगा, आपका दोनों का 10 हो गया, 10 के पावर 3 होगा, ऊपर गुणा करेंगे तो आपका 2125 होगा, 10 के पावर 3 गुणा मतलब 1000, और 1000 से इसमें भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 2.125, यही आपका क्या है, दशमलव आपका प्रसार जो आपका आ गया। तो समझ में आ गया होगा, इसे आप जरूर अपने रफ पर एक बार नोट कर लीजिए। तो बहुपद जो है या fx, यहाँ पर 3 का जो ख जो देख रहे हैं डिस्प्ले पर, आपको क्वेश्चन देख रहे होंगे, 3 का ख या fx बराबर आपको दिया 3x² - x³ - 3x + 5 को बहुपद, आपको जी एक्स बराबर दिया है x-1 - x² से भाग दीजिए, और विभाजन जो है एल्गोरिथम का सत्यापित कीजिए। यहाँ पर पहले भाग देंगे और यहाँ पर एक सत्यापित करेंगे किसका नियम, तो विभाजन एल्गोरिथम का नियम जो है उसको हमको सत्यापित करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे भाग के बारे में समझेंगे, किससे भाग करना है, x² + x-1 में इससे आपको भाग करेंगे। तो भाग जब देंगे आप लोग भाग ऐसे कक्षा 8 में भी पढ़े होंगे, 9 में भी पढ़े हैं, अब 10 में पढ़ रहे हैं, तो भाग कैसे देते हैं, आपको -x² है तो या माइनस है, माइनस माइनस आपको प्लस होगा, हमको x कमी है, x² है, और यहाँ पे x3 है, यहाँ पे x3 है, तो यहाँ पे कमी क्या था, x है। अब यहाँ x² में आपका x का गुणा करेंगे तो -x का आपका यहाँ पर हो जाएगा, इसकी x में x का गुणा करेंगे तो आपको x² हुआ, -1 में आपका 1 का गुणा करेंगे -1 हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, घटाते हैं प्लस है तो माइनस है, माइनस है तो प्लस है, तो x³ से x³ खत्म हो गया, 3x² में 6x² घटा देंगे 2x² हुआ, -3x - 1x में से अब देखिए प्लस है, 1x में से 3x घटा देंगे, -2x हो गया, +5 उतार देंगे। फिर यहाँ से यहाँ नोट करेंगे क्या कमी है, यहाँ देखिए यहाँ माइनस दिया था, यहाँ माइनस नहीं दिया, इसने माइनस कमी है, यहाँ 2 या 2 नहीं, इसने 2 लिख देंगे, तो 2 में x गुणा करेंगे 2x² हुआ, फिर 2 में x आपको गुणा करें -2x हो गया, 2 एक 2 माइनस में करके +2 हो गया, फिर घटा देंगे माइनस से यह हुआ, ये प्लस हो जाएगा, फिर माइनस हो गया, 2x² 2x² 2x, 5 में 3 घटाएंगे आपका, 5 में से 2 घटेगा आपको 3, शेषफल 3 आया। अब यहाँ पे जब भाग दे करके जब जो मान निकाले इसको प्रयोग करेंगे, विभाजन जो एल्गोरिथम का जो नियम है इसको भी नियम को पालन करके देखेंगे हमारा सत्यापित होगा कि नहीं होगा। तो भाज्य कितना है, भाज्य कौन होता है, देखिए बीच वाला जो दिख रहा है इसको भाज्य कहते हैं, क्या कहते हैं, भाज्य, भाज्य कितना था, -x³ + 3x² - 3x + 5 है ना, उसके बाद भाजक क्या है, तो भाजक ये आपका है, देख लीजिए -x² + x आपका 1 है, और शेषफल क्या है, तो आपको 3 जो शेषफल है, शेषफल ऐसे नोट कर लेंगे, भाज्य बराबर कितना है, भाजक बराबर कितना है, और शेषफल बराबर कितना है, और यहाँ लिखेंगे चूंकि, चूंकि सूत्र आप लिखेंगे आपका भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल,
अब इस प्रयोग करने से हमको अगर भाज के बराबर उत्तर आ गया तो समझ जाइए हमारा नियम क्या है, सत्यापित हो गया। तो भाजक का भी जो मान दिया है, भाजक वाला मान नोट करेंगे, आपका भाजक कौन है, देखिए -x² x - 1 -x² + x - 1 और भागफल कहना है, भागफल कितना आया था, तो भागफल आप देख लीजिए, भागफल कितना आया था आपका x - 2। यहाँ अगर भागफल लिखना चाहें तो लिख दीजिएगा भागफल बराबर कितना है, तो भागफल बराबर क्या था, x - 2। तो आपका भागफल x - 2 हो गया, प्लस शेषफल कितना है, तो शेषफल आपका 3, तो शेषफल 3 हो गया। अब इसका गुणा, जो इसका गुणा करना है, 3 को किनारे कर देंगे, गुणा कर लेंगे, तो गुणा करने क्या आएगा, आपका गुणा भी आप लोग कर लीजिएगा, -x³ + x² - x² गुणा पहले x में करेंगे, फिर x का गुणा पहले x में आपका कर दिया जाएगा, फिर -1 का गुणा x में करेंगे, फिर आपका 2 का गुणा इसमें कर लेंगे और +3 जोड़ लेंगे। तो गुणा यहाँ कर दिया गया है -x³ + x² - x 2x² - 2x + 2 + 3। अब क्या जाएगा, -x³ उतार दीजिए और यहाँ 1x² और यहाँ 2x² मिलकर कितना हुआ आपका, 3x² हो गया, और -2x है, माइनस मिलकर के -3x हो गया, +5। ये जो उत्तर जो आया है, इस उत्तर को पहले देख लीजिए, ये उत्तर किसका आया, ये देखना है, ये उत्तर किसका है, तो ये उत्तर जो है भाज्य का है। मिला लीजिए, उत्तर भाज्य का है, तो हमारा उत्तर किसका आ गया, आपका भाज्य का उत्तर आ गया। इसके नीचे अब लिखना है, ठीक है, इसके नीचे आप भाज्य लिख दीजिएगा, और जब भाज्य के बराबर आ गया तो आपका लिख देंगे अतः विभाजन एल्गोरिथम सत्यापित हो गया। तो समझ में आ गया होगा, इसे भाग दे दीजिएगा अपने रफ पे, इसको चेक कर लीजिएगा कितना आसान है, देखने में लग रहा था बहुत टफ लेकिन बहुत आसान है। अब अगला क्वेश्चन जो है डिस्प्ले पे आपको दिखाई दे रहा होगा, डिस्प्ले पे क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन आपको दिया गया है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जो बिंदु पी कोष्ठक में 3/4, 5/12 बिंदुओं ए कोष्ठक में 1/2, 3/2 और बी कोष्ठक में दिया है 2, -5 को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या करता है, विभाजित करता है। तो 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो 4 का ग क्वेश्चन आप डिस्प्ले पे देख चुके होंगे, देखिए कितना आसान है। तो पी का मान क्या दिया था उसमें, 3/4, 5/12। ए का मान क्या दिया है, 1/2, 3/2। बी का मान क्या दिया था, 2, -5। तो उसको कह रहा है आपका पी का मान दे दिया, और ए और बी को मिलाने वाला जो रेखाखंड है, ए और बी को जो मिलाया जा रहा है रेखाखंड को, किस अनुपात में विभाजित करता है। तो माना जो पी जो हमारा मान लेंगे, यहाँ पर पी मान लेंगे, तो माना पी बिंदु ए बी को, यहाँ ए मान लिया जाएगा, इसको बी मान लेते हैं आपका, तो माना ए जो बी बिंदु जो है हमारा, पी बिंदु जो देख रहे हैं, पी बिंदु जो होता है ए बी को किस अनुपात में विभाजित करता है, तो M1 संबंधे M2 में क्या करता है, विभाजित करता है। जो बिंदु P जो है ए बी को किस अनुपात में, जब अनुपात कर देगा क्वेश्चन में, तो M1 और M2 मानते हैं, तो M1 संबंध M2 में विभाजित करता है। तो x का सूत्र होता है अंतः विभाजन का, कि M1 x2 + M2 x1 / M1 + M2 होता है। ये सूत्र को आप तैयार कर लीजिए, x का मान जो है 3/4 आपको दिया है, x का मान 3/4 है, M1 का मान M1 उतर जाएगा, x2 का मान 2 है। यहाँ देख लीजिएगा आपका, इसको नाम लिखेंगे आपका x1, इसको देखिए ध्यान दीजिए, x मानेंगे, इसको क्या मानेंगे y, और इसको x1 मानेंगे, इसको y1 मानेंगे, और इसको x2 मानेंगे, इसको y2 मानेंगे। तो x का मान 3/4 है, देख लीजिए x का मान 3/4 हो गया, M1 आपको उतर जाएगा क्योंकि M1 नहीं दिया, x का 2 है, M2 हो गया, x1 / 2, M1 + M2। फिर 3/4 उतर गया, 2 में M1 का गुणा करेंगे आपका 2, आपका M1 हो जाएगा, प्लस M2 का गुणा 1 में करेंगे तो M2 / आपका 2 हो गया, M1 + M2 उतार दीजिए। फिर 4 का गुणा इसमें कर देंगे, 4 का गुणा इसमें करेंगे तो 4 गुना कितना हो जाएगा आपका 8 M1 + 4, में इसमें गुणा करेंगे तो 4 M2 / 2 हो गया, और इसमें 3 में गुणा करेंगे तो 3 M1 + 3 आपका M2 हो जाएगा। फिर इसके बाद से 2 को इसको काट देंगे आपका 2 हो जाएगा, 8 M1 + 2 M2 = 3 M1 + 3 M2। फिर उसके बाद से क्या हो जाएगा आपका, M1 वाला एक पास और M2 वाला को एक पास कर दीजिए, M1 वाला एक पास हो गया और M2 वाला जो हमारा एक पास हो गया, 8 M1 उतर गया, 3 M1 इधर आ गया, 2 M2 उधर गया, 8 M1 में से 3 M1 गया आपको 5 M1 = 1 M2। अभी देखिए अब M वाला को एक पास कर लीजिए और अंक वाला को एक पास, तो M2 को नीचे कर देंगे, 5 को नीचे कर दीजिए, तो 1/5, इसका मतलब M1 = M2 = 1/5 के अनुपात में विभाजित करती है। नीचे लिख देंगे तो समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन जो है डिस्प्ले पर आप देख सकते हैं। तो 3 का जो घ जो डिस्प्ले पे क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन है आपका एक जो शंकुकार बर्तन, शंकुकार मतलब शंकु आकार का बर्तन, जिसका आंतरिक व्यास 10 सेमी है, ऊंचाई 24 सेमी है, पानी से भरा है, जो शंकु वाला जो बर्तन है वो पानी से भरा हुआ है, पानी को एक बेलनाकार पात्र जिसका आंतरिक व्यास क्या हो जा रहा है 20 सेमी,
में डाला जाता है तो बेलनाकार पात्र में डाले गए पानी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आपको बेलनाकार भाग की ऊंचाई पूछ रहा है, तो सबसे पहले आप ध्यान देंगे कि आप एक शंकु के आकार का एक कोई बर्तन है, शंकु के आकार के इसमें बर्तन है, इसके अंदर जो पानी है वह पानी जो है बेलनाकार भाग में पानी इसके अंदर आ गया। तो इस पूरा बेल जो शंकुकार का जो पानी है किसके अंदर आ गया, आपका बेलन के अंदर आ गया। तो शंकु का आयतन और इस बेलन का आयतन आपस में तब क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ शंकुकार बर्तन का व्यास, व्यास किसे दिखाएंगे, डी से, डी बाय कॉस में दिया है, दस से में दिया है, आर बराबर सूत्र होता है डी बाई टू माने त्रिज्या बराबर व्यास बटा दो, आर बराबर त्रिज्या, त्रिज्या का आर को क्या कहेंगे त्रिज्या, डी का मान 10 बटा 2, 2 से आपको काट देंगे, कितना सेमी आ गया आपका 5 सेमी, आर बराबर आपको 5 सेमी, किसका त्रिज्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक त्रिज्या कितना है 5 सेमी है। ऊंचाई कितना था शंकु का, ऊंचाई आपका यहाँ लिख सकते हैं 24 सेमी है, शंकु का ऊंचाई जो 24 सेमी है। अब यहाँ बेलनाकार भाग का जो व्यास है, देखिए बेलनाकार भाग का व्यास टोटल जो देख रहे हैं, टोटल आपका व्यास कितना आपका है 20 सेमी है, अभी 20 सेमी है तो उसका त्रिज्या, अब देखिए व्यास यहाँ डी से देखा है, यहाँ व्यास डी छोटा डी से देखा है, तो मैं अलग अलग पहचान करेंगे कि व्यास इसका है और इसका व्यास आपका बड़ा डी, इसको छोटा डी माने व्यास, इसको बड़ा डी मान लिया है। तो आर बराबर आपको क्या सूत्र होगा, डी बाई टू 20 बटा 2, 2 से काट देंगे आपका 10 सेमी। बेलनाकार भाग की ऊंचाई बड़ा इसको मानेंगे, आपको ऊंचाई यज पूछ रहा है कितना पानी ऊंचाई है, पूरा पानी जो भरा इसकी ऊंचाई क्या हुआ, तो इसकी ऊंचाई क्या मान लेंगे आपका यज। और उसके बाद से क्या होगा, प्रश्नानुसार के मतलब आप जानेंगे कि जो बेल जो शंकु में जो पानी अमाया था वही पानी किसमें अमा गया आपका बेलन में अमाया है, इसमें शंकुकार बर्तन का जो आयतन है और बेलनाकार भाग का जो आयतन होगा या बेलनाकार बर्तन का आयतन जो होगा आपस में क्या हो जाएगा, बराबर होगा। तो शंकु का आयतन सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर आपका यच, और बेलनाकार भाग का क्या होता है पाई आर स्क्वायर आपका यच। यहाँ इसने बड़ा आर एच आर माने हैं क्योंकि इसमें छोटा आर मान चुके हैं, और यहाँ छोटा एच माने हैं, इसने आपको यहाँ बड़ा एच माने हैं। अब यहाँ पाई से पाई को काट सकते हैं, अब किसका मान भरेंगे, तो शंकु का त्रिज्या, अब शंकु का त्रिज्या का मान इसमें भरा जाएगा, तो शंकु का त्रिज्या कितना दिया है, तो देख लीजिए शंकु का त्रिज्या आपका 5 है, अब यहाँ रखेंगे 1/3 आपका उतर जाएगा आपका यहाँ 1/3, और आर का मान, आर का मान देख लीजिए, आर का मान 1/ आपका यहाँ पर आर का मान 5 है, 5×5 करेंगे, देखिए आर का मान 5 है, यच का मान कितना है, तो यच का मान यहाँ पर 24 है, आपका 24 रख देंगे, बराबर कर दीजिए। आर का मान आपका कितना है, तो 10 है, 10×10 कर सकते हैं, 2 इसलिए 2 वाली दिए आपका यच हो जाएगा। तब यहाँ 5 से आपका देखिए 3 से जो देखा है 3 से 24 कट जाएगा, 3×8=24 हो गया, 5×5=25 आपका 8 बराबर आपका 100 यच। अब ये दोनों गुणा करेंगे 25×8=200 बराबर आपका 100 यच, तो यच बराबर आपको क्या आ जाएगा 200/100, 0 कट गया, यच बराबर आपका 2। इसका मतलब जो शंकुकार बर्तन की जो उसकी ऊंचाई होगी वो कितना होगा आपका 2 सेंटीमीटर होगा। तो समझ में आ गया, पहले आपका शंकुकार भाग का बर्तन का त्रिज्या और व्यास त्रिज्या ऊंचाई लिख देंगे, बेलनाकार भाग का आपका त्रिज्या लिख देंगे, और ऊंचाई पूछ रहा है, दोनों का आयतन आपस में बराबर होगा क्योंकि शंकु का जो पानी है वो बर्तन में बेलनाकार बर्तन में अमाया है भरा गया है, तो शंकुकार भाग का आयतन और बेलनाकार भाग का आयतन आपस में क्या है, बराबर है। बराबर करके पाई से पाई काट देंगे, मान भर करके यच का मान निकाल देंगे, वही बेलनाकार भाग की ऊंचाई हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे 4 का क जो क्वेश्चन है बहुत आईएमपी है, जो कई बार परीक्षा में ये पूछा गया, ये लगभग सभी सेटों वाले परीक्षा में यह जो है क्वेश्चन आया है, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, 2020 में आने की संभावना है। तो अब अगला क्वेश्चन 4 का जो क है, आपको सिद्ध करना है कर्णी में 2 जो है अपरिमेय संख्या है, तो आप डिस्प्ले पे क्वेश्चन को देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन के बारे में जानकारी रखेंगे। तो डिस्प्ले पे आप क्वेश्चन देखे होंगे, कर्णी 2 जो है अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो कैसे सिद्ध होगा, तो सबसे पहले आप लिखेंगे माना, और माना कर्णी में 2 एक कौन संख्या है, तो परिमेय संख्या। जब अपरिमेय संख्या पूछेगा तो आप उसका विलोम मान लीजिएगा परिमेय संख्या है, तो कर्णी 2 एक आपका परिमेय संख्या है, तो कर्णी 2 बराबर P/Q हो जाएगा, दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे। अब यहाँ P/Q क्यों मानेंगे, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, वह संख्या जो P/Q के रूप में हो, ऐसे संख्या को आप परिमेय संख्या कहते हैं। अब दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे, इधर भी वर्ग हो जाएगा और इधर भी दोनों पक्ष में वर्ग हो गया, अब 2 इसका कर्णी हट जाएगा, तो अब 2 हो जाएगा, पी का स्क्वायर हो जाएगा बटा क्यू स्क्वायर हो जाएगा। बहुत आसान है, इसे भी अपने जो लगाया जा रहा है क्वेश्चन को, आप लोग भी हल करते चलिए, जिससे क्या होगा आपको पूरा समझ में आ जाएगा।
अब यहाँ दो उतर जाएगा, यहाँ पे फिर पी स्क्वायर उतर गया, फिर की स्क्वायर पर यहाँ दो घात है, इसको दो बार लिख दीजिए, क्यू गुड़े क्यू लिख सकते हैं। अब इसमें का एक जो क्यू है दो के पास भेज दीजिए, तो दो क्यू बराबर आपका क्या है, आपका पी स्क्वायर बटा आपका क्यू आ जाएगा। अब तब यहाँ पे लिख देंगे आपका, चूंकि दो क्यू एक पूर्णांक है, दो क्यू कौन सी है एक पूर्णांक है, लेकिन पी स्क्वायर बटा क्यू में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसका मतलब जो दो क्यू जो देख रहे हैं इसके अंदर ऊपर देखना है आपको अंश में, क्या यहाँ पे क्यू मिला है को, आपका पी या क्यू है, ये आपका क्या है पी स्क्वायर है, तो आपको क्यू इसमें उभयनिष्ठ नहीं मिला, कॉमन नहीं मिला, लिखेंगे आपके यहाँ पर पी स्क्वायर बटा क्यू में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तब जब गुणनखंड नहीं है तो क्या लिख देंगे आपका पी स्क्वायर बटा क्यू नॉट इक्वल टू आपका दो क्यू, माने आपका बराबर उसमें नहीं है। जब नहीं है तो समझिए आपका कौन संख्या आपका हो गया परिमेय संख्या नहीं होगा, तब तब लिख देंगे आपका कौन सी आता है पाणी में दो एक कौन संख्या गया और परिमेय संख्या है। बहुत आसान है, इसे अपने कापी में जरूर नोट कर लीजिए, क्योंकि ये 2020 में आने की संभावना है, क्योंकि ये कई सातों सेटों में ये अपरिमेय संख्या हमेशा पूछा गया है, तो 2020 में भी ये क्वेश्चन आने की संभावना है। अगला क्वेश्चन आप डिस्प्ले पे देख रहे होंगे, तो डिस्प्ले पे क्वेश्चन दिया गया है आपका, क्वेश्चन देख लीजिए, दो और सौ के बीच सभी विषम पूर्णांक जो तीन से क्या हैं विभाज्य हैं उनका योग ज्ञात कीजिए। दो और सौ के बीच में सभी विषम पूर्णांक को आपको निकालना है, सौ दो और सौ के बीच में तीन और उन्हीं किससे विभाज होना चाहिए, तीन से विभाज होना चाहिए, और उसका योग निकालना है कि इसका जोड़ कितना आना चाहिए। तो अब यह सवाल को ध्यान से समझिए, तो तीन से विभाज्य संख्या कौन कौन होगा, और भी आपका दो और सौ के बीच में बताना है, तो तीन से विभाज्य संख्या क्या होगा, तीन होगा, नौ होगा, फिर से उसके बाद से पंद्रह होगा, फिर इक्कीस होगा, और उसके बाद से निन्यानवे, बीच में भी और संख्या भी है उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ लास्ट में सौ के अपकम आपको तीन से विभाज्य कौन संख्या होगा, तो निन्यानवे हो जाएगा। अब इसको कह रहा है जोड़ करके बताइए कितना आएगा, तीन को, नौ को, पंद्रह को, इक्कीस को, फिर इसी बात आपका यहाँ पर आपका हो जाएगा 21, 24 को, ऐसे करके आपको 99 तक को जोड़ करके आपको बताना है क्या योग आना चाहिए। तो यहाँ ए बराबर जो है पहले लिखेंगे तीन, ए का नाम मतलब प्रथम पद ए बराबर तीन लिखेंगे, डी का नाम क्या है सर्वांतर कैसे निकलता है, दूसरा में से पहला को घटा देंगे, तो दूसरा क्या है नौ है, देखिए दूसरा नौ है, नौ में से तीन गया, डी बराबर छः। अब लिखेंगे माना यनवा पद निन्यानवे है, माना यनवा पद क्या है निन्यानवे है, तब यनवा पद निन्यानवे लिख देंगे आपका, यनवा पद का सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर निन्यानवे, ए का मान क्या है तो तीन है प्लस हो गया, एन माइनस वन उतर जाएगा, डी का मान छः हो जाएगा बराबर निन्यानवे हो जाएगा, फिर तीन प्लस से उधर जाकर पक्षांतर करेंगे तो माइनस आपका निन्यानवे में से तीन घट जाएगा तो आपको कहा जाएगा छियानवे हो जाएगा, फिर छः को इसको नीचे कर देंगे और छः से छियानवे को भाग करेंगे तो आपको कहना जाएगा आपका सोलह, इसका मतलब एन माइनस वन बराबर का है आपका सोलह, माइनस वन जो है पक्षांतर करेंगे तो प्लस सोलह हो जाएगा, एन बराबर सोलह प्लस एक मिलकर कितना होगा आपका सत्रह, एन बराबर कितना आ जाएगा आपका सत्रह, इसका मतलब सत्रह पद है, इसके बीच में टोटल संख्या कितना होगा तो सत्रह पद है। अब सत्रह पदों का योगफल निकालेंगे, अब सूत्र होता है एन पदों का योगफल, एन पदों का योगफल सूत्र क्या होता है एन बटा दो कोष्टक में ए प्लस एल, एन बटा दो कोष्टक में ए प्लस एल, एन का मान कितना दिया आपका है तो एन का मान सत्रह है, तो लिखें सत्रह पदों का योगफल सत्रह बटा दो कोष्टक में ए का मान तीन प्लस एल का मान निन्यानवे, एल का मान निन्यानवे मतलब अंतिम पद इसमें क्या है एल का नाम अंतिम पद है, तो अंतिम पद आपका निन्यानवे हो गया, निन्यानवे में तीन जोड़ लेंगे तो 102 हो जाएगा, 102 को आपको दो से जब डिवाइड कर देंगे आपका तो 51 होगा, तो 17 में 51 का गुणा कर देंगे तो आपको जोड़ आ जाएगा 867। तो समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है, तीन से विभाज्य संख्या को लिखना है, प्रथम पद सर्वांतर निकालेंगे, यनवा पद निन्यानवे है, सूत्र में भर करके यन का मान निकालेंगे, अब यन का मान 17 आया, अब 17 आया तो 17 पदों का योगफल निकाल देंगे, और 17 पदों का योगफल निकालने के बाद से जो आंसर आएगा वही आपका इसका क्या हो जाएगा जोड़ आ जाएगा। तो समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन है जो डिस्प्ले पर आपको दिखाई दे रहा होगा, तो क्वेश्चन को देख लीजिए, दिया है आपका कि सिद्ध कीजिए कि बिंदुएं ए 6, 9, ए का मान दिया है, बी का मान 0, 1 और सी का मान दिया है -6, -7 क्या है संरेख है। बहुत आईएमपी क्वेश्चन ये भी है, क्योंकि संरेख वाला क्वेश्चन हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है, तो संरेख के बारे में अब अध्ययन करेंगे कि कैसे संरेख होता है। तो आपको पहले मान नोट कर लेंगे 6, 9, 0, 1 और सी का मान -6, -7 नोट कर लेंगे।
तो डिस्प्ले पे आप क्वेश्चन देख ही लिए होंगे। अब हमारा ए का मान, बी का मान, सी का मान आप नोट कर लेंगे। पहले ए का मान कितना था, बी का मान कितना था, सी का मान क्या है, यहाँ पे सिद्ध करना है कि संरेख, ये तीनों बिंदु क्या है, संरेख है। तो संरेख कब होता है, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल, जब अगर आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर शून्य हो जाए तो समझिएगा ये तीनों बिंदु क्या है, संरेख है। अब यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि शून्य आता है तो संरेख मानेंगे। अब देखते हैं क्षेत्रफल शून्य आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र लिख देंगे, ए बटा दो एक्स वन कोष्ठक में वाई टू माइनस वाई थ्री, फिर लिखेंगे आपका यहाँ पर प्लस एक्स टू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री वाई वन माइनस वाई टू, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र है। इसमें मान भरेंगे एक बटा दो, एक्स वन का मान छः है, वाई वन वाई टू का मान एक है, वाई थ्री का मान माइनस सात है इसलिए प्लस सात हो जाएगा, प्लस एक्स टू का मान जीरो है, वाई थ्री का मान माइनस सात है, फिर वाई वन का मान नौ है, फिर एक्स थ्री का मान लिखे माइनस छः है, माइनस छः भर देंगे, वाई वन का मान आपका नौ है तो नौ भर देंगे, वाई टू का मान आपका एक है तो एक भर देंगे। अभी बटा दो उतर जाएगा आपका यहाँ पर, छः उतर गया, सात एक मिनट के आठ हो गया, जीरो में जब गुणा कर लेंगे तो पूरा ये मान क्या हो गया, शून्य हो गया, माइनस छः उतर गया, नौ में से गया आपका आठ हो गया, आठ में छः का गुणा करें आठ छः के अड़तालीस हुआ, आठ छः के आपका अड़तालीस हो जाएगा, अड़तालीस में अड़तालीस गया आपका जीरो, जीरो में बटा दो का गुणा करेंगे शून्य। अब आ गया क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या गया, आप लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ गया, शून्य होता है तब क्या होता है, बिंदु क्या होते हैं, संरेख होते हैं। याद रखिए जब त्रिभुज का क्षेत्रफल जब शून्य होते हैं, लिख देंगे आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या शून्य होते हैं तो बिंदु क्या होते हैं, संरेख होंगे। अब लिख देंगे आपका त्रिभुज क्या हो जाएंगे, संरेख होंगे, क्योंकि त्रिभुज के क्षेत्रफल शून्य होता है तो क्या माना जाता है, संरेख है, तीनों बिंदु क्या हो जाएंगे तब, संरेख हैं। तब अगला क्वेश्चन हम यह डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा होगा, आप क्वेश्चन को देख लीजिए, ये भी बहुत आसान है। लिखा बिंदु सी पर समकोण, बिंदु सी पर समकोण ए के समकोण त्रिभुज ए बी सी में यदि टैन ए बराबर आपको दिया है एक, तो सिद्ध कीजिए कि दो साइन ए इंटू कास ए बराबर वन, यही आपको लाना सिद्ध करना है। त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है तो दो साइन ए इंटू कास ए बराबर वन आपको लाना है। देखिए कितना आसान दिया है, दो नंबर का क्वेश्चन है। तो चार का अब घ जो चल रहा है, चार का घ में आपको सिद्ध करना है दो साइन ए इंटू कास ए बराबर एक, यही लाना है, दो साइन ए इंटू कास ए बराबर एक लाना है। तो कैसे लाएंगे, इसमें दिया भी है कि टेन ए बराबर एक, क्वेश्चन देखे होंगे डिस्प्ले पर, तो टेन ए बराबर इसमें कितना मान दिया था ए, तो टेन ए का मान कितने अंश का मान एक होता है, तो कितने अंश का मान होता है, तो पैंतालीस अंश का होता है, कितने अंश का, टेन पैंतालीस अंश का मान एक होता है, तो ए बराबर लिख देंगे पैंतालीस अंश। और जब ए बराबर जब पैंतालीस अंश जब मालूम हो जाएगा तो सवाल को एल एच एस में उतार लीजिएगा, एल एच एस लेफ्ट हैंड, इसको कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोला जाता है एल एच एस, तो आपको दो साइन ए इंटू कास एक उतार लेंगे, फिर यहाँ पर दो उतर जाएगा और ए का मान यहाँ पर लिख दीजिएगा, ए का मान रखने पर, ए का मान क्या लिखेंगे आपका, ए का मान लिख दीजिएगा, ए का मान रखने पर जो ए का मान 45 आया था वही मान यहाँ पे भर देंगे, तो दो साइन आपका एक जगह पे 45, फिर कास आपका हो जाएगा 45, फिर दो उतर जाएगा, साइन 45 का मान एक बटा करने में दो हो जाएगा और कास 45 का मान एक बटा करने में आपका क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा, क्योंकि साइन 45 का मान भी एक बटा करने में दो होता है और कास 45 का मान भी एक बटा करने में दो होता है। अब दो दो एक का नाम दो, आपका दो आपका दो आप दो को उतार लीजिए, एक में का गुणा करिए एक हो गया, और कर्णी दो का गुणा जब कर्णी दो में करेंगे तो कर्णी चार हुआ और कर्णी चार का मान क्या होता है, दो होता है। ऐसे भी समझिए कर्णी दो का गुणा कर्णी दो में करेंगे तो कर्णी हट जाता है, तो क्या हुआ आपका दो, और दो से दो को काट दीजिए कितना आया आपका एक, और आपको एक लाना था इसने क्या हो गया आपका राइट हैंड साइड, हमको एक चाहिए था इसमें आपका यहाँ पे एक आ गया। तो समझ में आ गया होगा त्रिकोणमिति का क्वेश्चन बहुत आसान था, बस टेन ए की जगह पे देखना है कितने अंश का मान एक होता है, तो 45 का, जब एक हम मान निकल गया तो एक जगह पे भर दीजिए और भर करके हल कर दीजिए, बहुत आसान है। अब अगला क्वेश्चन जो है डिस्प्ले पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है आपका पाँच का क है। अब ये क्वेश्चन चार नंबर का आ गया आपका, चार चार नंबर का इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, यह क्वेश्चन दिया गया आपका, सिद्ध कीजिए कि रैखिक समीकरण युग्म तीन बटा दो एक्स प्लस पाँच बटा दो वाई बराबर सात और नौ एक्स माइनस दस वाई बराबर चौदह संगत हैं, आपको सिद्ध करना संगत है कि नहीं, ब्रज गुणनखंड विधि से इसका हल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ वज्र गुणनखंड विधि का प्रयोग करके उसको हल करना है। तो अब ये क्वेश्चन को बारे में समझा जाए, तो डिस्प्ले पर क्वेश्चन देखे होंगे पाँच का क है, इसमें आपको समीकरण दिया था आपका तीन एक्स बटा दो प्लस पाँच वाई बटा दो बराबर सात, यहाँ पर क्या है तीन एक्स बटा दो प्लस पाँच वाई बटा दो बराबर सात जो समीकरण दिया है। अब यहाँ दोनों का देखेंगे हर आपस में क्या है बराबर है, यहाँ जब हर आपस में बराबर है तो बटा दो कर देंगे और बराबर सात है, बटा दो रहेगा दोनों का, हर जब बराबर हो तो बटा में दो उतार लेंगे, दो का गुणा किस में करेंगे तो सात में करेंगे, तो सात गुणी कितना हो जाएगा चौदह हो जाएगा,
14 प्लस में है इसलिए पक्षांतर करेंगे तो माइनस 14 हो जाएगा, बराबर आपका 0। तो पहला समीकरण आपका हो गया 3x प्लस 5y माइनस 14 बराबर 0। अब इसको तुलना करेंगे किससे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से क्या करेंगे, तुलना करने पर। अब a1x b1y प्लस c1 0 से तुलना करेंगे तो a1 का मान कितना है, तो a1 का मान 3 है, b1 का मान कितना है तो 5 है, c1 का मान कितना है तो माइनस 14 है। अब उसके बाद से a1 b1 c1 जब निकल जाएगा तो दूसरा समीकरण प्रश्न में दिया था, दूसरा समीकरण क्या दिया था प्रश्न में, 9x माइनस 10y बराबर 14। प्रश्न में ये भी आपको दिया गया था, एक फिर 14 को पक्षांतर करेंगे तो माइनस 14 हो जाएगा बराबर आपका 0। फिर आपका a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से क्या करेंगे, तुलना करने पर। अब a2 कितना है, a2 कितना है तो 9 है, b2 कितना है तो माइनस 10 है, c2 कितना है तो माइनस 14 है। समझ में आ रहा होगा, पहला समीकरण को आपको जब बढ़िया से जब बन जाएगा, जब बढ़िया से आपको पहले जैसे आपका बटे में दिया था इसको बढ़िया से पहले बना के पक्षांतर करके समीकरण बना लेंगे, फिर दूसरा समीकरण को उतारेंगे, आज दूसरा समीकरण बन जाएगा तो उसको भी तुलना कर लेंगे, a1 b1 c1 a2 b2 c2 जब निकल जाता है तो यहाँ पे पहले मान निकालेंगे, a1 बटा a2 का पहले मान निकालेंगे, तो a1 बटा a2 a1 कितना है तो 3 है, देख लीजिए a1 का मान 3 है, b1 और a2 का मान 9 है, इसको काटेंगे तो कितना आएगा आपका 1/2 आ गया। फिर b1 बटा b2 निकालेंगे तो b1 का मान 5 है, b2 का मान माइनस 10, इसको काटेंगे तो आपको कितना आएगा माइनस 1/2 आएगा। अब बताइए आपका माइनस आपका 1/2 जब आएगा यहाँ पर माइनस आपका है तो 5 से काटते हैं, 5 का मान 5 5 10 आपका एक माइनस 1/2, अब 1/2 और माइनस 1/2 आ गया तो बराबर नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे कि a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, मतलब a1 बटा a2 का मान और b1 बटा b2 का मान आपस में बराबर नहीं है। जब आपस में जब बराबर नहीं होता है तो नियम होता है, अतः समीकरण क्या होता है, निकाय क्या होता है, संगत। ये संगत में ये नियम होता है कि a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, तो हमारा सिद्ध हो गया कि समीकरण जो हमारा क्या है, निकाय क्या है, संगत है। अब यहाँ पे वज्र गुणनखंड विधि का प्रयोग करना है और उसमें x और y का मान निकालना है, तो यहाँ वज्र गुणनखंड विधि का सूत्र लिख लेंगे, बहुत आसान सूत्र है, इस सूत्र को नोट कर लेंगे, x बराबर होता है b1 c2 माइनस b2 c1 बट्टा a1 आपका a1 b2 माइनस a2 b1, यह सूत्र होता है x बराबर वज्र गुणनखंड विधि का सूत्र है। अब यहाँ पे b1 का मान भर देंगे, यहाँ पे c2 का मान दे करके, यहाँ से देखिए आपका a1 का मान, a1 का, b1 का, c1 का, a2 का, b2 का, c2 का मान जो देख रहे थे वही मान देख करके यहाँ पर भर दिया जाएगा। यहाँ b1 का मान 5 है, c2 का मान माइनस 14 है, फिर b2 का मान आपका माइनस 10 है, c1 का मान माइनस 14 है, फिर a1 का मान 3, फिर आपका b2 का मान, फिर यहाँ पे किसका मान, a2 का मान, b1 का मान, इसका गुणा करेंगे तो माइनस 70 हो गया, इसका गुणा करेंगे 140 हो जाएगा, फिर 10 यहाँ आपका 30 हो गया, 9 5 45 हो गया, दोनों माइनस 70 माइनस 140 माइनस 210 हो जाएगा, नीचे माइनस 75 हो जाएगा, फिर माइनस को काट दीजिएगा, ये दोनों जो देख रहे हैं माइनस यहाँ था माइनस था, इसको माइनस कट जाएगा, अब उसके बाद से यहाँ से 25 से काट दीजिएगा, जब 25 से काटेंगे तो आपको 25 से नहीं काटा जाएगा, यहाँ पर आपको जो है 25 से 15 से काटा जाएगा, तो 15 5 75 और 15 से इसको काटेंगे तो आपको 14, तो 14 बटा आपका 5, एक्स का मान क्या आ जाएगा आपका 14 बटा आपका क्या जाएगा 5, एक्स का मान आ गया। फिर उसी प्रकार जब एक्स का जब मान निकल जाएगा, ये सूत्र याद कर लीजिएगा, जब वज्र गुणनखंड विधि कहेगा तो इसी सूत्र का प्रयोग करिएगा और बहुत आसान हो जाएगा, a1 b1 c1 का मान जो देख रहे थे इसी में भर करके सॉल्व करेंगे तो एक्स का मान आ गया। अब इसी प्रकार वाई का भी सूत्र याद रखिएगा, वाई का सूत्र होता है c1 a2 माइनस c2 आपका a1, देखिए c1 a2 c2 a1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1 इसका फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूला में पुनः जैसे यहाँ पे भरे हैं वैसे ही यहाँ पर भी आपको भरना है, लेकिन यह पहला मान c1 का भरेंगे, फिर a2 का भरेंगे, फिर c2 का भरेंगे, फिर a1 का भरेंगे, फिर अब a1 है b2 है फिर a2 है b1 है, मान भर करके फिर इसको सॉल्व करेंगे, 14 में 9 का गुणा करेंगे माइनस 126 होगा, 14 तीन 42 माइनस में और माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा, 42 में 126 घटा देंगे आपको माइनस 84 होगा, 10 तीन आपका 30 हो गया, 9 5 45 हो गया, 75 हो गया, तो यहाँ पर भी आपको काट दिया जाएगा 3 से, जब 3 से काटेंगे तो और यहाँ देखिए इस माइनस को इस माइनस से काट देंगे, दोनों माइनस आपको कट जाएगा 28/25, इसलिए लिखेंगे आपका अतः जो आ जाएगा लिख देंगे आपका यहाँ पे अतः पहले x का मान कितना निकला है तो 14/5 हो गया और यहाँ पर लिखेंगे 28/25 हो गया, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसे अपने कापी में एक बार जरूर उतार लीजिए, ठीक है ना, उसके बाद से इसको आप लोग भी रफ पर एक बार लगा करके चेक कर लीजिए। तो अगला क्वेश्चन जो देखेंगे डिस्प्ले पर आपको दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन है आपका है कि आपका 8
सेमी का एक रेखाखंड ए बी खींचिए। ये रचना वाला क्वेश्चन आ गया। 8 सेमी का एक रेखाखंड ए बी खींचिए, ए के केंद्र मानकर 4 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए और बी को केंद्र लेकर आपको 3 सेमी त्रिज्या का दूसरा वृत्त खींचिए। प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए, रचना पद भी लिखिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को लगाया जाएगा, रचना किया जाएगा। तो रचना कैसे किया जाएगा, एक एक लाइन को समझिएगा। तो सबसे पहले जो है आपको एक वृत्त खींचेंगे, वो कितना सेंटीमीटर का, तो आपको सेंटीमीटर आपको दिया गया था। क्वेश्चन पढ़े होंगे, क्वेश्चन जब पढ़े होंगे तो मालूम हो गया होगा कितना आपका आपका माप लेना है। तो आप सबसे पहले प्रश्न जब देखे होंगे तो सबसे पहले आपका वृत्त के बारे में समझ लीजिए। पहले जैसे इसमें 2 वृत्त खींचना है, तो पहला जो वृत्त है वो 4 सेंटीमीटर का खींचना, और एक दूसरा वृत्त जो खींचना है वो 3 सेंटीमीटर का खींचना है, और उसके बीच की जो दूरी रहेगा आपका, याद रखना है इसमें 8 सेंटीमीटर का आपका दूरी दिया गया। तो इसके बारे में पहले समझ लेंगे तभी जाकर रचना करना है। तो पहले 4 सेंटीमीटर का वृत्त कैसे खींचना है, 3 सेंटीमीटर का वृत्त कैसे खींचना है, और 8 सेंटीमीटर का मतलब क्या है। तो इसमें क्वेश्चन में लिखा गया था कि 8 सेंटीमीटर का आपका रेखाखंड खींचिए, जो रेखाखंड का नाम ए बी है। तो आप सबसे पहले आप 8 सेंटीमीटर आप इंच रख करके आप सीधा 8 सेंटीमीटर आप रेखा खींच देंगे। कितना सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर आप रेखा खींच देंगे। है पुनः प्रकार में आप ले लीजिएगा, प्रकार में 4 सेंटीमीटर लेना है। कितना लेना है, 4 सेंटीमीटर लेकर के प्रकार में यहाँ पर आपको सुई रख दीजिएगा, पेंसिल को यहाँ रख करके नचा दीजिएगा। आप 4 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचा गया। पुनः फिर प्रकार में 3 सेंटीमीटर लीजिएगा, 3 सेंटीमीटर लेंगे फिर यहाँ रखेंगे सुई, यहाँ रखेंगे, मान लीजिए आपका यहाँ पर लेकर के 8 सेंटीमीटर है, तो आप यहाँ पर रखेंगे सुई, 3 प्रकार में कितना लेना है, 3 सेंटीमीटर लेकर के एक वृत्त खींच देंगे। आपका कब वृत्त हो गया, तो आपका 2 वृत्त हो गया। अब यहाँ से दोनों, अब यह जो यहाँ इस केंद्र का और इस केंद्र से इस रेखा को अर्धक करेंगे। अर्धक कैसे किया जाता है, प्रकार यहाँ रखेंगे, प्रकार की सुई यहाँ रहेगा, आधे से अधिक फैला लीजिएगा, एक ऊपर चाप काटिएगा, एक नीचे चाप काटिएगा, यहीं से एक ऊपर एक नीचे, फिर यहाँ पे फिर सुई रखेंगे, या देखिए सुई एक बार यहाँ रखना है, एक बार सुई यहाँ पे रखना है, पेंसिल से ऊपर नीचे, फिर आप यहाँ रखेंगे तो इसको काटेंगे, फिर नीचे काट देंगे, फिर इसको क्या हो जाएगा आपका मिला दिया जाएगा, आपका ऐसे आपको मिला दीजिएगा इंच से। आपका मिलाने के बाद से फिर सुई को यहाँ रखिएगा, सुई यहाँ पर यहाँ रख करके पेंसिल को यहाँ रख करके इसको नचा दीजिएगा, एक वृत्त बन जाएगा। वृत्त जब बनेगा तो देखिए अब यहाँ पे कटा हुआ है, अब ध्यान देना है कि अब यहाँ पे आपका कटा हुआ है, और यहाँ देखिए यहाँ कटा है तो यहाँ भी नहीं दे दीजिएगा, यहाँ कटा है यहाँ भी नहीं दे दीजिएगा, और यहाँ पे कटा है यहाँ भी नहीं दे दीजिएगा, और यहाँ पे कटा है तो यहाँ बिंदी दे दीजिएगा। अब बिंदी देने के बाद से इंचल को लेकर के इंचल से यहाँ से होते हुए आप ऐसे यहाँ पे स्पर्श यहाँ खींच देंगे, यहाँ से इसको ऐसे होते हुए यहाँ पे खींच देंगे। आगे समझ में, देखिए जहाँ कटा है यहाँ से यहाँ इसके अंदर तक, यहाँ से यहाँ मिला देंगे। अभी इसके अंदर से देखिए, अभी इसके अंदर से यहाँ से, अभी यहाँ से इसके ऊपर खींच देंगे इधर, है आपका फैंसिल यहाँ से इंचल रख करके ऐसे आपको मिला देंगे। आपकी रचना हो गया, स्पर्श रेखा की रचना आपका हो गया। तो आपका स्पर्श रेखा की रचना कैसे हुआ, यहाँ पे 2 केंद्र हैं, वृत्त आपका 2 वृत्त था, बहुत आसान था। इसे आप लोग कॉपी में बनाते रहिए, यदि आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, हमको समझ में नहीं आया है। क्या था, सबसे पहले आपका एक वृत्त खींचना है, और पहले सबसे पहले आपको 8 सेंटीमीटर रेखा खींचना है, यहाँ पे प्रकार लेकर के 8 4 सेंटीमीटर या फिर 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचना था। इसके बाद से अर्धक करना है, अर्धक मैंने आधा से अधिक लेकर के इसको मिला देंगे, फिर इसको यहाँ रखेंगे, वृत्त रख करके इसको नचा देंगे आपका, फिर यहाँ कटा है यहाँ कटा है, और फिर यहाँ पे कटा है, फिर यहाँ पे कटा है, फिर यहाँ से रख करके यहाँ से इसको मिला दिया जाएगा, फिर यहाँ से इसको मिला देंगे आपका, फिर यहाँ से इसके बाद से यहाँ से आपका इसको इधर मिला दिया जाएगा, फिर यहाँ से इसके केंद्र से इसको आपको मिला देंगे। तो समझ में आ गया होगा। तो उसकी रचना पद भी लिखना है, तो रचना पद कैसे लिखेंगे, सबसे लिखेंगे आपका पहला, लिखेंगे पहला, दूसरा, फिर तीसरा, आपको ऐसे लिखते हैं सर्वप्रथम पहले 8 सेंटीमीटर का रेखा खींचा, कितना सेंटीमीटर का, 8 सेंटीमीटर का रेखा खींचा। तो यहाँ देखते रहिए, बनाते भी चलना है। सबसे सर्वप्रथम कितना सेंटीमीटर का, 8 सेंटीमीटर का रेखा खींचा, प्रकार में 4 सेंटीमीटर माप ले करके यहाँ को ओ को केंद्र मान करके एक वृत्त खींचा। पुनः प्रकार में आपको 3 सेंटीमीटर का माप ले करके आपको यहाँ पर लिख सकते हैं आपका ओ डैश कर दीजिए। अब ओ डैश को केंद्र मान करके एक वृत्त खींचा, फिर ओ डैश रेखा को अर्धक किया, ओ डैश को क्या किया, रेखा को अर्धक किया, जो यम बिंदु पर काटती है, यम को केंद्र मानकर, और यहाँ पर यम को केंद्र मानकर
लेकर ओ यम त्रिज्या लेकर के एक वृत्त खींचा, आ रहा होगा समझ में, वृत्त खींचा है, उसके बाद से वृत्त खींचा तो आपको ओ वाला वृत्त मान या 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त को दो बिंदु पे काटती हैं, जो बिंदु का नाम ए है और बी है। दूसरे वाला जो हमारा 3 सेंटीमीटर के त्रिज्या वाला वृत्त को दो बिंदु पे काटती है वो बिंदु पी है और बिंदु क्या है, क्यू है। अब यहाँ से ओ से देखिएगा, ओ से पी को मिलाया और ओ से किसको मिलाया, क्यू को मिलाया, ओ से पी को ओ से क्यू को मिलाया। यहाँ से क्या लिखेंगे, ओ डैश को ए को मिलाया और ओ डैश को किससे मिलाया, बी को मिलाया। यही आपका क्या हो गया, अभीष्ट स्पर्श रेखा की रचना हुआ। समझ में आ गया होगा, इसे अपने कॉपी में जरूर बनाइएगा। तो अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपको आपका है 5 का 9 है, इसमें 2 क्वेश्चन है, देख लीजिए। एक त्रिकोणमिति का है, सिद्ध कीजिए कि साइन के ऊपर 4 घात थीटा माइनस कास के ऊपर 4 घात थीटा बराबर 2 sin² θ माइनस 1। ये आपको क्वेश्चन लाना है पहला। तो पहला क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, ध्यान दीजिए। 5 का जो 9 है, 9 का पहला में हमको सिद्ध करना है साइन के ऊपर 4 घात थीटा माइनस कास के ऊपर 4 घात थीटा बराबर लाना है 2 sin² θ माइनस 1। तो आप यहाँ सवाल को किस में उतारेंगे, LHS में उतारेंगे, साइन के ऊपर 4 घात थीटा माइनस कास के ऊपर 4 घात थीटा। 4 घात को क्या लिख सकते हैं, 2 घात के ऊपर 2 घात लिख सकते हैं और यहाँ पर भी 2 घात के ऊपर 2 घात लिख सकते हैं, 2 दूना 4 2 दूना 4। अब यहाँ सूत्र बन गया, एक सूत्र पढ़ेंगे, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग होता है ये कोष्टक में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, ये कोष्टक में ए प्लस बी दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। तो यहाँ पर इसको कहेंगे आप ए स्क्वायर, इसको कहेंगे बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, तो एक कोष्टक में ए प्लस बी, ए का मतलब साइन स्क्वायर, बी का मतलब कास स्क्वायर है, ए कोष्टक में ए माइनस बी, तो एक मतलब साइन स्क्वायर, बी का मतलब कास स्क्वायर, मतलब ए की जगह पे साइन है, बी की जगह कास स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, एक होता है, फिर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा को उतार देंगे। अब साइन का गुणा एक में करेंगे तो साइन एक करना, साइन स्क्वायर थीटा माइनस उतर जाएगा आपका कास स्क्वायर थीटा। अभी आप यहाँ पर ध्यान देंगे, आपका साइन स्क्वायर थीटा को उतार देंगे और यहाँ कास स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है पढ़े होंगे, कास स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 - sin² θ होता है, किसका सूत्र है, कास स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है। अब कास स्क्वायर थीटा जब क्या लिखेंगे, 1 - sin² θ, ये जब माइनस अंदर जाएगा ना तो चिन्ह बदल जाएगा। अब यहाँ पे जो हो जाएगा आपका आपका माइनस, आपका माइनस 1 उतर गया और यह माइनस जो था तो क्या बन गया आपका प्लस, अब प्लस हो गया साइन स्क्वायर थीटा, 1 sin² θ और 1 sin² θ कितना हो जाएगा आपका 2 sin² θ माइनस 1। यही आपको सिद्ध करना था, लास्ट में लिखेंगे राइट हैंड साइड, आपको सिद्ध हो गया, बहुत आसान है। इसका मान 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा का थीटा मान 1 होगा, फिर इसको उतार देंगे, 1 में गुणा करेंगे, फिर कास स्क्वायर को बदल दीजिए, माइनस अंदर भेजेंगे, चिन्ह बदल गया, साइन स्क्वायर मिलकर के 2 sin² θ माइनस 1। तो अगला क्वेश्चन जो है आप डिस्प्ले पे देख रहे होंगे, अब इसके बारे में समझेंगे। तो डिस्प्ले पे क्वेश्चन देख लीजिए, लिखा है क्वेश्चन जो है 5 का 1 का 2 है, देखिएगा 5 का 1 का 2 लिखा है, समीकरण कास थीटा बटा 1 - sin θ प्लस आपका कास थीटा बटा 1 + sin θ बराबर आपको 4 दिया है। और फिर कोष्टक में लिखा गया थीटा का जो मान है 90 के कम आना चाहिए, याद रखिए थीटा का मान कितने से 90 से कम आना चाहिए, आपको निकालना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसके ऊपर वाला जो क्वेश्चन था गौ का पहला ये वो भी आपका 2 नंबर का था, और 2 2 मिलकर के कितने नंबर हैं, या 4 नंबर के क्वेश्चन है 5 का 9। तो 5 का 9 के बारे में अब समझा जाए। तो 5 का 2 जो क्वेश्चन डिस्प्ले पे देखे हैं, कास थीटा बटा 1 - sin θ प्लस कास थीटा बटा 1 + sin θ बराबर 4 था, ये 4 नहीं लाना है, आपको थीटा का मान निकालना है। अब दोनों में देखेंगे ऊपर कॉमन क्या दिखाई दे रहा, तो ऊपर आपको कास थीटा इसमें भी है, कास थीटा इसमें भी है, कास थीटा कॉमन कर लेंगे, कास थीटा कॉमन हो गया 1 - sin θ 1 - 1 + sin θ बराबर क्या है 4 है। अब यहाँ कास थीटा उतर जाएगा, फिर इसमें आपको कैंची गुणा करिएगा, 1 + sin का गुणा इसमें करेंगे, 1 - sin का गुणा इसमें करेंगे, नीचे का गुणा करेंगे, इसलिए इसका नाम होगा कैंची गुणा। 1 + sin का गुणा 1 में करेंगे तो आपका 1 + sin θ हो जाएगा, 1 - sin का गुणा 1 में कर देंगे तो 1 - sin θ, नीचे का गुणा करेंगे तो अब एक कोष्टक में 1 - sin θ दूसरे कोष्टक में 1 + sin θ बराबर क्या हो गया 4।
अब यहाँ से देखेंगे साइन आपका प्लस है, एक साइन आपका माइनस है, कट गया है। कॉस थीटा को उतार दीजिए और एक जोड़ लीजिए, आपका हुआ दो। और यहाँ सूत्र बनेगा ए कोष्टक में ए माइनस बी, दूसरे कोष्टक में ए प्लस बी, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग। ए का मतलब वन का वर्ग हो जाएगा, बी का मतलब साइन का वर्ग हो गया है। आपका दो में कॉस का गुणा करेंगे, आपका दो कॉस थीटा हो जाएगा, ए का वर्ग एक हो जाएगा, साइन का वर्ग उतर गया बराबर चार। बहुत आसान है, फिर आपका दो कॉस थीटा को उतार दिया जाएगा, इस फॉर्मूला बन गया वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका सूत्र है, तो वन माइनस साइन स्क्वायर जो सूत्र देखेंगे तो कॉस स्क्वायर सूत्र है। यहाँ बॉक्स में लिखना चाहेंगे तो लिख दीजिएगा वन माइनस जो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, ऊपर कॉस को है तो आपको कॉस थीटा एक है, नीचे आपका दो है, समझिए एक आपका एक कॉस से एक कॉस को काट सकते हैं, नीचे वाले कॉस खत्म हो जाएगा तो ऊपर बचेगा अंक में दो, आपको हो गया दो बटा कॉस थीटा। यहाँ से कॉस को कॉस काट सकते हैं, और नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ कॉस आपको आपको लिखा गया कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है तो इसको आप दो बार लिख दीजिए, तो नीचे आपका जब दो बार लिखेंगे तो एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा, तब का बच जाएगा आपका दो बटा कॉस थीटा बराबर चार। हम चार में कॉस का गुणा करेंगे तो हो जाएगा चार कॉस थीटा बराबर दो, तो कॉस थीटा बराबर दो बटा चार। आराम से ये चार को नीचे भेज सकते हैं, यहाँ इंटू है, जब इंटू रहता है तो आपको यहाँ पे बटे एक जो है, जब इंटू है तो नीचे जाएगा तो आपको बटे में चार चला जाएगा, दो एक कलम दो दूना चार एक बटा दो। अब कास का मान जो है एक बटा दो कितने अंश का मान होता है, तो कास आपको मान कितने अंश का होता है, तो साठ अंश का मान होता है। इसका मतलब है नब्बे के आपको अंदर चाहिए था, नब्बे के अंदर मान क्या आ गया आपका थीटा बराबर साठ, आपका यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा, इसे एक बार अपने रफ पर नोट कर लीजिए। अब अगला क्वेश्चन जो हम लोग पढ़ेंगे, बगल में डिस्प्ले पर आप क्वेश्चन देख सकते हैं, तो क्वेश्चन डिस्प्ले पे देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है। लिखा है आपका पांच का घर निम्नलिखित बारह मरता बंटन का समांतर माध 25 है, तो पी का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पी का मान आपको ज्ञात करना है, नीचे वर्ग अंतराल दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 12 मरता 5, 18, 15, पी 6। इसमें पी जो दिखाई दे रहा है उसी का मान आपको ज्ञात करना है। अब इसके क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले वर्ग अंतराल बना लेंगे, वर्ग अंतराल बन जाएगा, उसके बाद से मध्यमान, उसके बाद से बारंबारता। वर्ग अंतराल तो प्रश्न में दिया रहता है, वर्ग अंतराल पेपर से उतार लीजिएगा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। उसके बाद बारंबारता को उतार लीजिएगा 5, 18, 15 आपका 5, 18, 15, 30, 6। बारंबारता को याद करिएगा यक्ष से दिखाते हैं और मध्यमान को आपको यक्ष। अब यक्ष का इस्तेमाल निकालेंगे दोनों को जोड़ के आधा, 0, 10 जोड़ेंगे तो 10, 10 के आधा 5, 10, 20 जोड़ेंगे 30, 30 के आधा 15, 30, 20, 50, 50 के आधा 25, 30, 40, 70, 70 के आधा 35, 40 और 50 जोड़ेंगे 90, 90 के आधा 45। अब इसमें गुणा करिए, 5 में 5 का गुणा करेंगे 25, 15 में 18 का गुणा करेंगे 270, 25 में 15 का गुणा करेंगे तो 375, 35 में पी का गुणा करेंगे तो 35 पी, 45 में 6 का गुणा करेंगे तो 270। अब इसको जोड़ना, देखिए इसमें किसको किनारे कर देंगे आपको पी को, पी को यहाँ किनारे कर दीजिए, अलग कर दीजिए, और उसके बाद से 5, 18, 15, 6 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपको 44 प्लस पी, और यहाँ पर 35 पी याद करिएगा, 35 पी को नहीं जोड़ना है, किनारे रखेंगे 35 पी, और 270, 375, 270 यहाँ को 25 जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका 940 प्लस 35 पी, या 35 पी यह है। और उसके बाद से समांतर माध्य का सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, तो समांतर माध्य का सूत्र सिग्मा एफ, सिग्मा का मतलब जोड़ होता है, इस लाइन का जोड़, तो एफ एक्स लाइन का जोड़ कितना आया है तो 940 प्लस 35 पी, और यहाँ पे समांतर माध्य प्रश्न में दे दिया था कितना 35, समांतर माध्य 25 दिया था क्वेश्चन में, क्वेश्चन पढ़े होंगे डिस्प्ले पे दिखाया गया था, तो समांतर माध्य जो आपका 25 दिया है, और यहाँ सिग्मा एफ एक्स का लाइन का जोड़ कितना है 940 प्लस 35 पी, और एफ वाला लाइन का जोड़ कितना 44 प्लस पी, तो 44 प्लस पी हो गया। अब यहाँ 25 से गुणा अगर 44 में करेंगे, 25 से गुणा पी में करेंगे, तो 25 में 44 का जब गुणा करेंगे तो आपको हो जाएगा 1100, और 25 में पी का गुणा करेंगे तो 25 पी, ऊपर वाले को उतार दीजिए 940 प्लस 35 पी उतर जाएगा। अब पी वाला को पी के पास कर देंगे और अंक वाला को अंक के पास करेंगे, तो ये 25 पी जो है प्लस है, इधर बराबर के पक्षांतर जब करेंगे तो माइनस 25 हो जाएगा, और ये आपका जो है आपका जो देख रहे हैं आपका 940 अब उधर जाएगा, आपका पक्षांतर करेंगे तो 940 आपका माइनस हो जाएगा, तो 35 पी में से 25 पी निकल गया आपका हुआ 10 पी, 10 पी बराबर 160, तो पी बराबर 160 बटा 10, 10 से आपको काट देंगे आपका 16, इसका मतलब पी का मान कितना आ गया आपका 16, तो इसे अपने रफ पर एक बार नोट कर लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन जो आपको डिस्प्ले पर दिखाया जाएगा तो क्वेश्चन के बारे में समझा जाएगा, तो अगला क्वेश्चन जो आपको दिया गया है डिस्प्ले पर देख लीजिए। अब आपका क्वेश्चन आ गया आपका 6 का जो है आपका क, तो
तो पांच क्या का क्वेश्चन जो है डिस्प्ले पे देख लीजिए, लिखा है एक नाव की शांत जल में चाल जो है 15 किमी प्रति घंटा है। एक नाव की जो चाल है आपका याद करिए, शांत जल में कितना चाल है 15 किमी प्रति घंटा है। नाव धारा की दिशा में 30 किमी जाने में तथा धारा के विपरीत दिशा में 30 किमी वापस लौटने में कुल जो है 4 घंटा 30 मिनट में का पूर्ण समय करता है। तो धारा की आपको चाल ज्ञात करना है। अब धारा की चाल आपको ज्ञात करना है, जैसे एक नाव है जाने में और वापस लौटने में, ध्यान देना जाना है और आना है दोनों को मिला करके 4 घंटा 30 मिनट लग रहा है, तो बताना है धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो धारा की चाल जब निकालेंगे तो यहाँ पर पहले लिखेंगे आपका माना धारा की चाल जो है यक्स किमी प्रति घंटा है। माना धारा की चाल क्या मानेंगे, यक्स किमी प्रति घंटा, जो आपको पानी जो बह रहा है इसका जो धारा है उसकी चाल क्या है आपका यक्स किमी है। तो शांत जल में नाव की चाल क्या है, जब ये आपको शांत जल रहेगा उस समय नाव की चाल क्या था आपका 15 है, 15 किमी प्रति घंटा है। कितना है 15 किमी प्रति आपका घंटा है। और धारा की दिशा में, जैसे आपको पानी जिधर बह रहा है ये धारा की दिशा है, तो धारा की दिशा में अगर नाव की चाल पूछा जाएगा तो नाव की चाल क्या होगा, तो दोनों चाल जोड़ लेंगे, जो आपको धारा की चाल रहेगा और नाव की चाल रहेगा दोनों का जोड़ हो जाएगा, यक्स प्लस 15 हो जाएगा। जब धारा है जैसे पानी जमाली इधर बह रहा है, जब पानी आपका इधर बह रहा है तो धारा की दिशा में अगर नाव बह रहा है तो दोनों को चाल को क्या करते हैं जोड़ लेते हैं। और मान लीजिए आपको पानी इधर बह रहा है और नाव उल्टा आ रहा है, जैसे पानी आपका ऐसे है नाव आपका इधर से आ रहा है, तो दोनों क्या करेंगे आपका धारा विपरीत दिशा में जब रहेगा धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या हो जाएगा, इसमें चाल हटा देंगे, यक्स माइनस क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। जो देखिए धारा की दिशा में चाल निकालेंगे एवं धारा के विपरीत दिशा में चाल निकालेंगे, और दूरी दोनों कितना चलेंगे, मैंने आपको धारा की दिशा में भी 30 किमी और धारा के विपरीत दिशा में भी आपको 30 किमी, तो दूरी आपको कितना हो जाएगा आपका 30 किमी। दोनों ओर का दूरी आपको मैंने जाने का भी 30 किमी और आने का भी आपको 30 किमी, तो धारा की दिशा में लगा समय, अब देखिए धारा के दिशा में लगा समय लगेगा एवं धारा के विपरीत दिशा में लगा समय, दो समय निकालेंगे। तो धारा की दिशा में लगा समय, समय सूत्र क्या होता है दूरी बटा आपका चाल, तो दूरी कितना हो जाएगा आपका 30 किमी गया है, और चाल कितना है धारा की दिशा में चाल कितना है, तो यक्स प्लस 15, तो आपका यक्स प्लस 15 लिख देंगे। वो आपको जो चाल है समय है उस समय को क्या मानेंगे टी, धारा की दिशा में लगा समय को क्या मानेंगे T1, और धारा के विपरीत दिशा में लगा समय है सूत्र लिखेंगे दूरी बटा पचास, दूरी कितना है आपका 30 है, इसका चाल कितना है तो यक्स माइनस ऐसा आपका याद रखिएगा। आपके यहाँ पर जो है चाल जो है आपका यहाँ पे 15 प्लस x कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि आपका यहाँ 15 प्लस x होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 माइनस x हो जाएगा, यहाँ याद रखना है 15 प्लस करेंगे और यहाँ क्या करेंगे 15, मैंने इसमें से आपको ये चाल आपको एक बार जोड़ा जाएगा आई बार क्या करेंगे घटाया जाएगा, 15 विपरीत रहेगा तो यहाँ पे लिखे घटा देंगे, और आपको समान धारा की दिशा में रहेगा तो क्या करेंगे प्लस कर लेंगे, समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे लिखेंगे धारा के विपरीत दिशा में लगा समय दूरी बटा चाल, तो दूरी आपका आपका दूरी आपका 30 हो जाएगा, चाल कितना है तो 15 माइनस x है, कुल समय कितना लगा था, कुल समय आने और जाने में कुल समय क्या है, ये जाने का समय है और ये आने का समय है, तो जाने और आने को मिला करके 4 घंटा 30 मिनट लगा था, तो कुल समय कितना हो जाएगा 4 घंटा 30 मिनट लगा था। तो कुल समय मतलब कौन कौन समय होगा, तो वह T1 समय हो जाएगा, दूसरा का आपका T2 समय हो जाएगा, 4 घंटा और 30 मिनट में कितना घंटा होता है तो आधा घंटा है, आधा घंटा को 1/2 घंटा कहते हैं, तो 1/2 घंटा लिख देंगे, ये 4 घंटा और ये 30 मिनट को 1/2 घंटा, अब 4 × 8 9/2 हो जाएगा, और ये आपका 30/15 + x आपका T1 का मान जो निकला था वो भर देंगे, पहला समय 30/15 + x, दूसरा समय 30/15 - x बराबर 9/2, ऊपर से कॉमन क्या लेंगे 30 कॉमन हो जाएगा आपका 1/15 + x प्लस 1/15 - x बराबर आपका हो गया 9/2 है। यहाँ पर कैंची गुड़ा कर लीजिएगा, 15 - x का इसमें गुड़ा होगा, 15 + x का इसमें गुड़ा होगा, नीचे गुड़ा कर लेंगे, और जब नीचे गुड़ा हो जाएगा तो यहाँ x से x आपको कट जाएगा, अब इसके बाद से 15 15 जोड़ेंगे तो आपको 30 हुआ। नीचे आपका ध्यान देखें सूत्र बन गया, ए कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग फार्मूला बनेगा, तो यहाँ ए के जगह पे 15 का वर्ग हो जाएगा, बी के जगह पे एक्स का वर्ग हो जाएगा, 9/2 हो गया, 30 में 30 के गुणा करेंगे तो 900 हो जाएगा, 15 का 225 हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, 9/2, 9 से इसको काटेंगे तो आपको हो जाएगा 100, अब 100/225 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1/2, अब 1/2 में गुणा करेंगे तो 2 में 200 को गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 200 बराबर आपका हो गया 225 माइनस एक्स स्क्वायर।
अब x स्क्वायर को पक्षांतर करेंगे तो x स्क्वायर व 225 माइनस आपका 200, आपका x स्क्वायर माइनस है पक्षांतर किए तो प्लस हो गया, 200 प्लस था उधर जाएगा आपका पक्षांतर हुआ तो माइनस 200 हो गया, फिर आपका x स्क्वायर व 225 में से 200 घटा देंगे तो आपको क्या हो गया आपका 25, वर्ग इसके ऊपर जब जाएगा, वर्ग इसके ऊपर जब जाएगा तो क्या बन जाएगा आपका x बराबर करनी में आपका 25, x बराबर 25 का क्या होता है 5, इसका मतलब अभी देंगे आपका अतः अतः लिखाएगा आपका धारा की जो चाल था माना गया था, लिखेंगे आपका धारा की आपका चाल क्या माना गया था, धारा की चाल माना गया था x किमी प्रति घंटा माना गया था, तो x का मान कितना है तो 5 आया था, तो इसमें 5 किमी प्रति घंटा हो गया, इसका मतलब धारा की चाल क्या है 5 किमी प्रति घंटा है। इसे जो लिखा गया ब्लैक बोर्ड पे इसे अपने रफ पर नोट कर लीजिए, आप पुनः फिर से सवाल को लगाइए जिससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन जो है डिस्प्ले पर आपको दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन जो है आपका 5 का ख, यह आपका त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है, बहुत आसान है, तब ये क्वेश्चन के बारे में समझेंगे। आपको लिखा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण जो है आपका उन्नयन कोण, शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है जबकि उसके पाद से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यह 6 का ख क्वेश्चन है, बहुत आईएमपी है, ये 4 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसे आप लोग बढ़िया से समझेंगे तो हो सके 2020 में जब आएगा तो इसे आप अच्छे से लगा लेंगे। तो 7 मीटर ऊंचे भवन का शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना बोला गया था 45 अंश है, आपका उन्नयन कोण कितना है 45 अंश है जबकि उसके पाद से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 अंश है, तो इस क्वेश्चन को समझा जाए। तो 7 मीटर जो है भवन है, यह भवन 7 मीटर ये भवन की लंबाई है और यहाँ से यह टावर है यहाँ लगा हुआ, देख रहे हैं टावर है, टावर की ऊंचाई आपको पूछा जा रहा है तो टावर की ऊंचाई को एच मान लिया है, यह आपका 7 है तो ये भी मान लीजिए कि इसका मान क्या रहेगा आपका 7 है, यहाँ पे टावर की जो शिखर है वहाँ पे इसका उन्नयन कोण क्या बना है 60 अंश बना है और नीचे कितने अंश का कोण बन रहा है तो 45 अंश का कोण बन रहा है, आप क्वेश्चन डिस्प्ले पे देखे होंगे। तो माना टावर की जो ऊंचाई क्या है आपका एच है, अब त्रिभुज जो चलेंगे त्रिभुज ए बी डी, अब देखेंगे कौन है ए बी डी, अब ये वाला त्रिभुज चल रहा है त्रिभुज ए बी डी में टेन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार आपको हो जाएगा तो टेन थीटा, या थीटा कितने अंश का कोण बना है तो 45 अंश का कोण बना है, लंब का मान क्या है तो 7 है, आधार का मान आपका एक्स है, एक्स में एक का गुणा कर लेंगे आपका टेन 45 का मान एक होता है, 7/1 उतार लीजिए, एक्स एकन्ना में एक्स बराबर आपको 7 मीटर, इसका मतलब यह जो मान है यहाँ से लेकर के टोटल 7 मीटर था और यहाँ से लेकर के यह जो एक्स माना गया था तो ये भी आपका एक्स माना जाएगा, तो यह जो 7 मीटर आया तो ये भी आपको कौन मीटर आएगा 7 मीटर हो गया। अब ऊपर वाला त्रिभुज चलेंगे, उस त्रिभुज का क्या नाम है, त्रिभुज का नाम त्रिभुज सी डी ई में टेन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा आधार, टेन थीटा के जगह पे 60 अंश रख देंगे और लंब के जगह पे एच माइनस 7, अब यह चित्र में ऊपर देख लीजिए एच माइनस जो 7 देख रहे हैं, अब एच माइनस जो 7 जो मान है वो लंब के जगह पे रखना है, तब टेन थीटा बराबर एच माइनस 7 बटा आधार का मान एक्स है, टेन 60 अंश का मान क्या होता है तो कर्णी में 3 होता है, एच माइनस 7 बटा एक्स हो गया, एक्स में गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा एच माइनस 7 बराबर हो गया, अब एक्स का जो गुणा कर्णी 3 में कर देंगे तो कर्णी में 3 एक्स हो जाएगा, फिर माइनस 7 है पचहत्तर करेंगे तो प्लस 7 हो जाएगा और यहाँ एक्स का जो मान निकला था, जो एक्स का मान कितना निकला है तो एक्स का मान जो 7 है यहाँ एक्स का मान 7 भर देंगे तो कर्णी 3 गुणे 7 प्लस 7 हो गया, 7 कामन ले लेंगे तो एच बराबर 7 कामन और कर्णी 3 प्लस 1 मीटर आपका हो जाएगा, अतः जो हमारा टावर की ऊंचाई है लिख देंगे 7 कोष्टक में कर्णी में 3 प्लस 1 मीटर होगा, इसे अपने रफ पर एक बार नोट कर लीजिए, पूरा सवाल को इसको लगाइए। तो अगला क्वेश्चन जो है डिस्प्ले पर आपको दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन आपका दिया है कि एक ठोस बेलन के रूप में जिनके दोनों सिरों पे अर्ध गोले लगे हैं, ठोस के कुल लंबाई 19 सेमी है और बेलन का व्यास जो है 7 आपका सेमी है, ठोस का आयतन और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो आपका एक ठोस बेलन के रूप में दोनों सिरों पे कुंच लगे हैं, अर्ध गोला लगा है और उसको टोटल ऊंचाई कितनी सेमी है आपको दिया है तो 19 सेमी है, बेलन का व्यास कितना दिया है 7 सेमी है, तो यहाँ पर आयतन और संपूर्ण पृष्ठ पूछा जा रहा है, तो इस क्वेश्चन को पहले चित्र समझेंगे।
तो छ का गांव में जो आप देखे हैं चित्र हैं को समझेंगे आप, कैसे चित्र के बारे में समझेंगे। जैसे आपका अभी चित्र जो बनाया गया है, बोला गया क्वेश्चन में है कि एक बेलन है और बेलन के ऊपर जो है अर्ध गोलाकार है, आधा गोला ऊपर है और आधा गोला जो है नीचे है। ऊपर आधा गोला बन गया और नीचे आपका आधा गोला बन गया। और पूरे ठोस को यहाँ से यहाँ तक टोटल ऊंचाई कितनी सेमी है, तो 19 सेमी दिया है। तो ऊपर का हमें आपको पता करेंगे कि आधा जो त्रिज्या क्या होगा और नीचे का त्रिज्या क्या है। तो क्वेश्चन में दिया गया था व्यास आपका 7 सेमी, तो डी बराबर लिख देंगे आपका 7 सेमी। तो आर बराबर मतलब त्रिज्या बराबर सूत्र होता है व्यास बटा 2, तो 7/2, 2 से भाग कर देंगे 7 में, तो 3.5 सेमी हो जाएगा। इसका मतलब जो यहाँ से यहाँ जो देख रहे हैं ये त्रिज्या है, ये 3.5 इधर और ऊपर आपका 3.5, इसका मतलब 3.5 और 3.5 मिल करके आपको 7 सेंटीमीटर जो है, 19 में से 7 जब कम हो जाएगा तो बेलन का हमको यहाँ से यहाँ तक बेलन की ऊंचाई मालूम हो जाएगा। इसे लिखेंगे बेलन का ऊंचाई h बराबर क्या होगा 19, वो टोटल ऊंचाई 19 था, 3.5 ऊपर 3.5 नीचे, दोनों को जोड़ेंगे तो 7 होगा, तो 19 में से 7 किया 12, इसका मतलब बेलन की ऊंचाई आपका 12 सेंटीमीटर है। बेलन की ऊंचाई क्या है 12 सेंटीमीटर है। अब इस पूरे ठोस का आयतन पूछ रहा है, तो पूरे ठोस में क्या है, ये आपका बीच में देख रहे हैं आपका ये बेलन है और उसके ऊपर जो देख रहे हैं आधा गोला नीचे आधा गोला, दोनों मिलेगा तो एक गोला बनेगा। ये आधा गोला और आधा गोला को जब जोड़ेंगे तो एक गोला बन जाएगा। लिखेंगे पूरे ठोस का आयतन, सूत्र क्या होता है बेलन का आयतन प्लस अब गोले का आयतन। यहाँ पे गोले का आयतन क्यों बोला जाए, आधा गोला मिलकर के पूरा गोला जाएगा, तो बेलन का आयतन और गोले का आयतन। तो बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच प्लस, और गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर का क्यू होता है। दोनों में से कॉमन क्या दिखाई देगा आपका पाई आर स्क्वायर कॉमन होगा, तो अब इसकी वजह से क्या बचेगा यहाँ पर एच बचेगा प्लस 4/3 आपका आर बचा था। पाई का मान क्या होता है 22/7, आर का मान देखेंगे, अब आर का मान दसमो वाला जो देख रहे हैं 3.5 जो दसमलव वाला मान आया था उसको नहीं भरेंगे, क्योंकि दसमलव जब भरेंगे तो गुणा करने में दिक्कत होगा, इसलिए आर का मान 7/2 भरिए। इस 7/2 को ही 7/2 कहिए या 3.5 कहिए, ठीक है ना, तो 7/2 रखेंगे तो आसान हो जाएगा। आर का स्क्वायर इसने 7/2 दो बार लिख देंगे, यच का मान 12 है, देखिए यच का मान जो देख रहे हैं यच का मान जो निकला है आपका यच का मान जो है आपका 12 है प्लस 4/3 आर का मान 7/2 है। इस 7 से 7 को काट दीजिए, 2 से आपको 22 काट दीजिए 11 77 आप 11 आपका या आपका 11 × 7 लिख सकते हैं, 11 × 7 बटा में क्या बचा 2 हो गया प्लस 12 ऊपर गया। फिर यहाँ पे देखेंगे आप 2 से इसको काटेंगे 2 × 4 तो 7 × 14/3 तो 14/3 आपका 3 हो गया, समझ में आ रहा होगा। फिर 11 × 7 आप उतार दीजिए 2 बात है 36 में 14 जोड़ लीजिए आपका, तो 36 में आपका 14 जोड़ेंगे तो आपको हो जाएगा 50/3। फिर 50/3 को 2 से काट दीजिए, 2 से 50 कट जाएगा आपका 25, आपका हो जाएगा 77 × 25 क्या होगा आपका 3, 77 × 25/3 होगा, 77 कैसे होगा 11 में 7 का गुणा की 77 में 25 का गुणा करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1925, कहना जाएगा 1925 बटा क्या आपका 3/3, 3 से इसमें भाग करेंगे तो कितना जाएगा 641.6 आपका हो जाएगा 41.6 आपका हो जाएगा आपका यहाँ पर सेमी का क्यू आयतन है। इसमें लिखेंगे लास्ट में घन सेमी, इसको बोलते हैं 3 घात लगाएंगे, इसको 3 घात का मतलब घन सेमी आ गया, इसका मतलब हमें यहाँ पूरे ठोस का जो है आयतन आ गया 641.6 सेमी के ऊपर 3 घात आया। इसे अपने रफ पर नोट कर लीजिए। अब ये पूरे ठोस का अब संपूर्ण पृष्ठ पूछा जा रहा है कि पूरे ठोस का संपूर्ण पृष्ठ क्या है, इसमें 2 प्रश्न हैं, पूरे ठोस का आयतन पूछा गया था और पूरे ठोस का संपूर्ण पृष्ठ। अब हम पूरे ठोस का संपूर्ण पृष्ठ के बारे में यहाँ पे लगाया जाएगा। तो पूरे ठोस का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना था, जो चित्र देखे थे आपका यहाँ पर आपका क्या बना था, आपका बेलन बना था और बेलन के ऊपर जो है आपका अर्ध गोला बना था, या आपका अर्ध गोला और नीचे आपका अर्ध गोला, टोटल ऊंचाई कितनी बताया गया था 19 सेमी था, चित्र वही रहेगा। लिखेंगे ठोस का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब क्या होगा, तो मैंने आपका ठोस जो सामने देख रहे हैं इस ठोस में कौन कौन सी आकृति है, तो बेलन है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाएगा और उसका अर्धगोला और अर्धगोला जब मिलेगा तो पूरा एक ठोस गोला बनेगा, इसलिए क्या बनेगा गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो बेलन का वक्र सूत्र कहता है 2πrh प्लस 4πr² होगा। बेलन का वक्र पृष्ठ सूत्र होता है 2πrh होता है और गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 4πr² होता है। दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है 2πr कॉमन दिखाई दे रहा है, क्या बचेगा h प्लस 2r हो जाएगा।
अब यहाँ पे एच बचेगा, यहाँ पे चार था तो यहाँ दो कॉमन किए तो दो आपका आर बचेगा, तो दो उतर गया, पाई का मान 22/7 हो गया, या आर का मान 7/2 ऊपर देखिए लिखे ही होंगे, आर का मान क्या था 7/7 आपका 2 हो गया, एच का मान आपका 12 है प्लस 2, आर का मान 7/2 है। अब यहाँ 7 से 7 कट गया, 2 से 2 काट देंगे, क्या बचेगा आपका 22 बचेगा, यहाँ 2 से 2 कट गया आपका 12 प्लस 7, यहाँ 22 उतर गया, 12 सप्लस 19, 22 में 19 का गुणा करेंगे तो 400 कितना हो जाएगा 18 वर्ग सेमी हो जाएगा। इसे अपने रफ पर नोट कर लीजिए और इसको आप भी सॉल्व कीजिए। तो अगला क्वेश्चन जो है डिस्प्ले पर आपको दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन आपको दिया है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन से दैनिक आय का माध्यिका ज्ञात कीजिए, और यहाँ एक फाइल बना के दिया गया, लिखा है श्रमिकों की संख्या 6, 3, 5, 20, 10, दैनिक आय आपको दिया है आपका रुपयों में 100 से 150 तक दिया है, तो इसकी माध्यिका ज्ञात करना है। तो ये बहुत आसान है, माध्यिका कैसे ज्ञात करेंगे, पहले आप फाइल बनाएंगे, दैनिक आय जो है जो लिस्ट में अभी देखे हैं सारणी में, दैनिक आय क्या था 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350। श्रमिकों की संख्या क्या है 6 है, 3 है, 5 है, 20 है, 10 है, आपको जोड़ेंगे तो 44 आ जाएगा। संचयी बारंबारता, माध्यिका जब निकालते हैं तो संचयी बारंबारता बनता है, याद रखिएगा संचयी बारंबारता कब निकालते हैं, जब माध्यिका निकालते हैं तो संचयी बारंबारता बनता है। तो संचयी बारंबारता कैसे बनता है, पहले 6 को उतार देंगे, 6, 3, 9, 9, 5, 14, 14, 20, 34, 34, 10, 44, ठीक है ना, उसके बाद यन बराबर लिखेंगे 44, अब यन में 44 हुआ तो यन बटा 2 निकालेंगे, यन बटा 2 का मान जब निकालेंगे तो 44 में 2 से जब भाग करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 22। अब यहाँ पता करेंगे 22 किस में होगा, 22 किस में छिपा है, तो 22 लगभग आपको 34 में, ध्यान दीजिए क्योंकि 22 इसमें नहीं है, क्योंकि 22 से खुद आपका कम आपका है जिसमें 14 है, 22 किस में है आपका है तो 34 में, 34 के ठीक सामने को हम क्या कहेंगे, इसको L1 कहेंगे, इसको आपको L2 कहेंगे, इसके सामने वाले को F कहेंगे, इसके ऊपर वाले को CF कहते हैं, याद रखिए जिसके सामने रहता है उसको L1 कहते हैं, L2 कहते हैं, F कहेंगे, इसके ऊपर वाला CF हो गया। इसका मतलब L1 कितना है आपका, L1 आपको 250 हो जाएगा, L2 आपको 300 हो गया आपका। उसके बाद H कैसे निकलता है, तो L2 में से L1 को घटा दीजिए तो 300 में से 250 निकल जाएगा, तो आपको H बराबर कितना आ गया आपका, H बराबर आपका 50, माने 50 का अंतराल है, H का मतलब अंतराल 50 का है। F का मान बताएंगे, F का मान कितना है, तो F का मान 20 है, CF का मान आपका 14 है। तो माध्यिका का सूत्र होता है, माध्यिका बराबर होता है L1 प्लस N बाई 2 माइनस CF आपका बटा H गुड़े आपका H, CF बटा आपका F गुड़े आपका क्या होता है H, इस माध्यिका के सूत्र को नोट कर लेंगे। अब L1 कितना है, तो L1 आपको 250 है, L1 का मान कितना है आपको 250 हो गया, प्लस N का मान 44/2 हो गया, माइनस CF का मान 14 है, F का मान 20 है, और H का मान आपको 50 है, तो 2 से 44 काटेंगे तो आपको 22 हो जाएगा, माइनस 14 हो गया बटा 20 हो गया गुड़े 50, 250 उतारते चलेंगे, ठीक है ना, फिर 250 आपको उतर जाएगा नीचे, प्लस 22 में से आपका 14 जाएगा, 8 हो गया आपका, आप लिखेंगे आप यहाँ 50 हो गया बट्टा 20 हो गया, फिर आपका अब यहाँ पे आपका गुणा कर, अब देखिए 0 0 काट दीजिए, 8 5 40 हो जाएगा बट्टा 2 2 से 40 काटेंगे आपका 20 होगा, 20 में आपका 250 जोड़ लेंगे 270, इसका मतलब आंसर क्या आएगा आपका 270। इसे आप अपने रफ पर एक बार सॉल्व कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा क्या 270 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसे समझ में आ गया होगा आपको कि माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं, माध्यिका का क्या सूत्र होता है। तो अगला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे आपका 7 का, आपका आ गया क, 7 का क में लिखा है, डिस्प्ले पे क्वेश्चन देख लीजिए, लिखा है दुघात समीकरण 1/ आपका ए प्लस बी प्लस एक्स बराबर 1/ए प्लस 1/बी प्लस 1/एक्स, जहाँ ए प्लस बी का नॉट इज इक्वल टू 0 है, गुणनखंड विधि द्वारा हल कीजिए। 6 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन को देखा जाए तो क्वेश्चन जो है 1/a प्लस बी प्लस एक्स है बराबर 1/a प्लस 1/b प्लस 1/x है, तो जो x जो देख रहे हैं x के पास पक्षांतर कर देंगे, ये x प्लस में है इसलिए पक्षांतर करेंगे तो क्या बनेगा आपका माइनस हो जाएगा, अच्छा माइनस हो जाएगा इसमें कैंची गुणा करेंगे, x एक का नाम आपका x हो जाएगा, a का गुणा माइनस एक में करेंगे माइनस ए माइनस बी हो जाएगा माइनस एक्स हो जाएगा, नीचे वाला उतार दीजिए ए प्लस बी प्लस एक्स इंटू एक्स है, इसमें भी आपको कैंची गुणा करेंगे, बी एक का नाम बी ए एक का नाम आपस में गुणा होगा तो ए बी हो जाएगा। अब यहाँ एक्स से एक्स को काट दीजिए क्या होगा माइनस ए माइनस बी बटा आपका ए में एक्स का गुणा करेंगे तो ए एक्स हो गया, बी में बी एक्स का गुणा करेंगे बी एक्स हो जाएगा, एक्स में एक्स का गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर बी प्लस ए बटा आपका ए बी हो गया, फिर उसके बाद माइनस कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा आपका ए प्लस बी हो जाएगा, फिर से आपका ए प्लस बी आपको उतर जाएगा बटा आपका ए बी हो गया। अब ए प्लस बी से ए प्लस बी को भी आप काट देंगे तो ऊपर क्या बचेगा आपका माइनस एक बचेगा, नीचे आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स, यहाँ पर आपको सीधा कर लिया है एक्स स्क्वायर फाइव किए हैं ए एक्स की हैं बी एक्स की हैं, फिर आपका एक्स स्क्वायर ए एक्स प्लस बी एक्स हो जाएगा बराबर आपका क्या बचेगा एक बटा ए बी हो जाएगा, फिर कैंची गुणा इसमें कर देंगे आपका ए बी का नाम ए बी हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर का गुणा इसमें करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स बराबर माइनस ए बी हो गया, माइनस ए बी को पक्षांतर करेंगे प्लस ए बी हो जाएगा बराबर आपका जीरो हो जाएगा।
फिर इसमें से x कॉमन ले लेंगे, जब दोनों में से x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस ए होगा, फिर हम b कॉमन ले लेंगे तो x प्लस ए हो गया, बराबर जीरो हो गया। उसके बाद से दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा, तो x प्लस ए कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस बी बराबर आपका जीरो हो गया। अब यदि लिखेंगे पहला यदि क्या बनेगा, x प्लस ए बराबर जीरो, x बराबर माइनस ए हो जाएगा। दूसरा यदि आपका होगा आपका x प्लस बी बराबर जीरो, तो प्लस बी था आप पछाड़ करेंगे तो माइनस बी हो जाएगा। इसका मतलब x का मान आपका आया आंसर x बराबर माइनस ए और माइनस बी आपका आंसर आया। इसे आपने कॉपी पे एक बार नोट करके इसको भी आप सॉल्व कीजिए, यदि आपको समझ में नहीं आओगा तो जरूर आप कमेंट कीजिएगा। तो अगला हम लोग क्वेश्चन जानेंगे, चलो चलो। तो आपका यदि समीकरण जो दिया है आपका डिस्प्ले क्वेश्चन देख लीजिए, यदि को आपका समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 64 बराबर जीरो और एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स प्लस के बराबर जीरो वास्तविक मूल रखते हैं तो के का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए। 6 नंबर का क्वेश्चन है, देखने में लग रहा है बहुत टफ क्वेश्चन है लेकिन बहुत आसान है, बस थोड़ा सा जब ध्यान देंगे तो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। 7 के क का है जो अथवा क्वेश्चन आप डिस्प्ले पे देखे हैं इसको कितना आसान है सॉल्व करना, बस एक सूत्र दो जगह प्रयोग करना है, दो समीकरण दिया। पहला समीकरण क्या दिया था, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 64 बराबर जीरो, एक्स स्क्वायर के एक्स प्लस 64 जीरो था, इसको तुलना करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो से तुलना करेंगे, ए का मान 1 है, यहाँ ए का मान 1 छिपा है, बी का मान के है, सी का मान आपका 64 है। मूल वास्तविक होने का नियम क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी आपका हो जाएगा आपका ग्रेटर देन आपका जीरो, आपका आप लेस देन जीरो आपका आपका हो जाएगा आपका जीरो आप हो जाएगा, फिर के स्क्वायर माइनस 4 आपका आपका मैंने के स्क्वायर कहाँ से आया, तो बी का मान आपका के स्क्वायर रख देंगे, माइनस रख देंगे, 4 रख देंगे, ए का मान 1 और सी का मान जो देख रहे हैं 64 है आपका जीरो उतार देंगे, फिर आपका के स्क्वायर उतर गया, 4 एम का नाम 4 में 64 को उड़ा करेंगे 256 हो जाएगा, फिर आपको जीरो उतार देंगे, फिर के स्क्वायर उतर जाएगा आपका 256 को माइनस से पक्षांतर करेंगे तो आपका 256 प्लस हो जाएगा। जब स्क्वायर जब इसके ऊपर जाएगा तो इसका जो मुँह है देखिए ध्यान दीजिए, आपका पहले ऐसे था आपका मुँह आपका इधर से था, आपका मुँह आपका इधर से हो जाएगा जब इसको स्क्वायर इसके ऊपर जाएगा, 256 किसका होता है तो 14 का होता है। आप इस सब क्वेश्चन को रुके रखेंगे, पहला आपका समझे आंसर आ चुका है, दूसरा क्वेश्चन को हम करेंगे। इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स प्लस आपका के बराबर जीरो, जैसे इसको लगाएं तो इसी तो इसको लगाना है, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी में जीरो से तुलना करेंगे, ए का मान 1 है, बी का मान माइनस 8 है, सी का मान के है, मूल वास्तविक होने का नियम लिख दीजिए, या बी का मान भर दीजिए माइनस रखिए, ए का मान या 1 का मान सी का मान आपका अपन जीरो उतार दीजिए, 8 का 64। तो समझ में आ रहा होगा कि जो मूल वास्तविक होने का जो नियम चला था इसी में मान भरना है, बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी आपका जो है आपका बी की जगह माइनस 8 का वर्ग करेंगे, माइनस उतर के 4 ए का मान सी का मान आपका आपका जीरो उतार देंगे, 8 का वर्ग 64, फिर 4 कम 4 4 के हो जाएगा, फिर 64 को पक्षांतर कर दीजिए, माइनस माइनस काट दीजिए आप 4 से काट देंगे, 4 से काटेंगे तो भी आपका 16 आ जाता है। यहाँ दोनों के मान में आपका यहाँ देखिए आपका यहाँ पर भी आपका जो है ये 256 जो देखिए 14 का नहीं होता है, मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, ये आपका 256 जो है 16 का होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो यहाँ पे 256 जो 16 का आपका होगा, यहाँ पर भी देखिए आपका 16, दोनों में आपका 16 आया, जैसे समीकरण 1 और समीकरण 2 से आपको क्या रिजल्ट आया, के का मान आपका कितने के बराबर है, 16 के बराबर है। तो यह 256 को याद रखिएगा आपका 16 का वर्गमूल है, और यहाँ 4 से 64 काटे आपको 16 आया, सूत्र दोनों में कहीं लागू किया गया है, के का मान जो आया धनात्मक जो आया वही आपका क्या हो जाएगा, के का मान होगा, तो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे लास्ट क्वेश्चन है, उसमें भी दो क्वेश्चन अथवा में दिया है, तो यह क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है लेकिन इसको अच्छे से समझेंगे तो क्वेश्चन बहुत ईजी भी है, तो यह क्वेश्चन आप लोग पढ़ लिया जाए, डिस्प्ले पे क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन दिया है त्रिभुज ABC में BC की मध्यिका AD है और AD का मध्य बिंदु E है, BE बढ़ाने पर AC से F बिंदु पर मिलती हैं, तो सिद्ध कीजिए कि AF बराबर 1/3 AC, यही आपको लाना है। अब इसको सिद्ध करा करके अच्छे से इसको समझना है कैसे यह सूत्र आपका AF बराबर 1/3 AC आया। तो पहले त्रिभुज के बारे में समझेंगे कि इसको कैसे समझना है, थोड़ा सा सवाल टफ है, थोड़ा सा टफ है, तो कैसे इसको समझना, पहले आपको त्रिभुज ABC है, उसमें त्रिभुज ABC में कहा गया था क्वेश्चन में कि जो हमारा AD जो है, AD जो हमारा D बिंदु हो रहा है, ये किस पर आपका है, BC के मध्य बिंदु पर है, और यहाँ BE को आगे बढ़ाने पर कहाँ तक जाएगा, AC के F के बिंदु बीच में आ जा रहा है यहाँ पर F पे, तो आपको सिद्ध करना है कि आपका कि AF बराबर 1/3 आपको लाना है, AF बटा आपका 1/3 AC आपको सिद्ध करना है, तो आपको फिर लिखेंगे आपका यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे दिया है त्रिभुज ABC में BC का मध्य बिंदु D है, देखिए आपका ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज में ABC में मध्य बिंदु क्या आपका D है, बीचों बीच में इसमें D है,
और लिखेंगे एडी का मध्य बिंदु आपका ई है। तो आपका एडी का मध्य बिंदु है, देख रहे हैं आपका इस रेखा का एडी का जो बीचों बीच में कौन बिंदु है आपका ई है। तो आपको सिद्ध करना है यह बराबर एक बटा तीन आपको एसी लाना है, यह बराबर एक बटा तीन आपका एसी लाना है। अब रचना क्या करेंगे, डी बिंदु से बी एफ के समांतर आपका डी जी खींचा। अब देखिए आपका किसके समांतर, डी बिंदु से, आपका जो डी बिंदु से है आपका किसके समांतर खींचना है आपका, तो बी एफ, इस बी एफ के समांतर आपका यहाँ पर डी जी आपका एक रेखा आपका खींचा गया समांतर। अब मान लीजिए आपको जी भी कुछ भी लिखेंगे वो लास्ट में वो हट जाएगा, ठीक ना, आपको जी मान लीजिए, पी मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ हट जाएगा। अब इसके समांतर, इसके समांतर, इसके समांतर रेखा खींचा गया है, बहुत आसान है। अभी देखिए इसमें का त्रिभुज अगर हम बाहर निकाल के समझा दें तो समझिए सवाल बहुत आसान है, आज हम इसके अंदर समझेंगे तो समझ में बहुत कम आएगा, इसलिए इस चित्र को हम बाहर कर लिए हैं। त्रिभुज कौन सा लिए हैं, पथ में त्रिभुज बी सी एफ, त्रिभुज का आपका बी सी एफ, देखिए बी सी एफ, देख रहे हैं इसमें अंदर यहाँ से काट करके निकाल दिए हैं, इसमें देखिए यहाँ से आपका डी जी, तो आपका क्या हो गया डी जी, आपको इसमें बाहर कर लिया गया। अब यहाँ से क्या है, जब इसमें बाहर करेंगे तो जो यहाँ से देखेंगे बी डी जितना दूरी है उतना ही दूरी कितना है डी सी है, तो बी डी के बीच की दूरी और डी सी के बीच की दूरी आपस में क्या है बराबर है, तो वही लिखे आपका बी डी बराबर आपका डी सी। और थेस परमेश्वर सूत्र क्या होता है आपका, थेस परमेश्वर सूत्र देखेंगे तो बी डी बटा डी सी होता है, क्या होता है बी डी बटा डी सी, और इधर से होगा आपका एफ जी बटा आपका जी सी, आपका इधर हो जाएगा। तो वही सूत्र लिख दिए आपका, देखिए आपका बी डी बटा डी सी, बी डी बटा डी सी, एफ जी बटा आपका क्या जाएगा जी सी, सूत्र लिखा गया। और सूत्र लिखने के बाद से अब यहाँ बी डी के जवाब क्या लिख सकते हैं डी सी, या डी सी के जगह क्या लिख सकते हैं बी डी, इसने बी डी को यहाँ उतार दिए हैं और डी सी को बदल दिए, डी सी की जगह पर क्या लिख दिए बी डी लिख दिए। अब दोनों आपका बी डी वीडियो का, तो बी डी से बी डी कट जाएगा, क्योंकि डी सी जो हमारा बी डी है और डी सी जो है आपस में क्या है बराबर, इसलिए डी सी को बदल दिए बी डी में, बी डी से बी डी कट गया। आपका आ जाएगा आपका एफ जी बटा जी, आपका आपका जी सी आपका जो है उसको उतार देंगे। अब ये कटने के बाद एक बचेगा, एक में आपका यहाँ गुणा करेंगे तो आपको हो जाएगा जी सी बराबर आपका क्या जाएगा एफ जी। अब यहाँ लिख देंगे या एफ जी बराबर क्या हो जा सकता है आपका जी आपका सी हो जाएगा, तो एफ जी बराबर क्या हो गया आपका जी सी, आपका समीकरण नंबर एक हो गया। जो काम यहाँ से यहाँ तक किए हैं पुनः वही काम आप दूसरे त्रिभुज में भी करना है। अब त्रिभुज उसी में से निकाला गया, देखिए त्रिभुज का नाम क्या आपका यहाँ पर है, अब देखिए ए है, उसके बाद से डी है, जी है, तो ए है, डी है, जी है, ए डी जी, अब यहाँ से लिया गया देखिए ए डी जी, इसमें से काट करके समझे बाहर कर लिया आपका ए डी जी, बीच में आपका क्या ई है एफ है, देखिए आपका ई है एफ है। अब यहाँ पे कौन बराबर होगा, तो यहाँ देखेंगे आपका ए एफ बटा आपका क्या आपका ई डी, ए ई, देखिए यहाँ ए ई बराबर क्या आपका ई डी, आपस में बराबर यह जो दूरी और यह दूरी नीचे का दूरी आपस में क्या रहेगा बराबर होगा, यानी देखेंगे आपका ए ई बराबर आपका क्या बनेगा आपका ई डी। अब यहाँ पर भी लिख सकते हैं आपका कौन पर में लागू करेंगे, तो थेस पर में आप यहाँ लागू कर सकते हैं, थेस पर में से, थेस पर में मतलब क्या होगा आपका ए, आपका क्या बनेगा आपका यहाँ पर ए ई बटा, अब इसके बाद क्या बनेगा ई डी, आपका क्या बनेगा आपका यहाँ पे ई डी बराबर, यहाँ क्या हो जाएगा आपका ए एफ, आपको हो जाएगा आपका ए एफ बटा, क्या लिख सकते हैं आपका यहाँ पर एफ आपका जी, समझ आ रहा होगा। अब ए को बदल दीजिए ई डी में, अब ए बदल जाएगा आपका किस में आ गया आपका ई डी में, बटा आपका यहाँ ली देंगे आपका यहाँ पर ई डी बराबर ए एफ हो गया, बटा आपका हो जाएगा आपका एफ जी हो गया, है ई डी सी डी कट जाएगा, क्या बचेगा एक बराबर आपका क्या हो गया ए एफ बटा एफ आपका जी हो जाएगा। कैंची कूड़ा कर लेंगे तो क्या बनेगा आपका यहाँ पर एफ जी बराबर का आएगा आपका ए एफ आ गया, समीकरण नंबर यहाँ दो आ गया। तो समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान है, एफ जी भी कितने बराबर आपका आ गया ए एफ के आया है, और यहाँ भी कितने बराबर है आपका एफ जी बराबर आपको कौन सी आ गया आपका जी सी आए। तो इसे एक बार रफ पर नोट कर लीजिएगा, जिससे आपको क्या होगा पूरा समझ में आपको आ जाएगा। अब समीकरण एक और समीकरण दो को ध्यान देना है, समीकरण एक समीकरण दो में जब वो देखेंगे तो समीकरण एक समीकरण दो को इसको नोट कर लीजिएगा रफ में, ठीक है ना। अब अगला हमारा समीकरण एक समीकरण दो को जब देखेंगे यहाँ पर तो क्या रिजल्ट आया, समीकरण एक समीकरण दो को आपका रिजल्ट आने में क्या आया, तो एफ जी बराबर जो है आपका जी सी है, और यहाँ पर भी एफ जी बराबर कौन सी है ए एफ है, इसका मतलब जो है एफ जी जो कितने के बराबर हो गया, यहाँ लिख दीजिएगा इसके नीचे जब लिखेंगे कि समीकरण एक तथा समीकरण एक तथा समीकरण दो से, समीकरण एक तथा क्या लिखेंगे आपका समीकरण आपका दो से, समीकरण एक तथा समीकरण दो को, समीकरण एक आपका क्या था आपका एफ जी था, एफ जी कितने बराबर था आपका जी सी के बराबर था, और एफ जी कितने बराबर है आपका ए एफ के बराबर है, समझ में आ गया होगा। ये तीनों बराबर कर लेंगे, एफ जी जो है जी सी के बराबर भी है और किसके बराबर है ए एफ के भी बराबर है। अब यहाँ पे जो देख रहे हैं
अब इस चित्र में आ जाएंगे, जो हमारा ये आपका एसी दिखाई दे रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एसी, एसी कितने के बराबर है? तो एसी अगर देखेंगे एसी, तो यहाँ से देखिए आपका एसी में आपका दो, यहाँ से आपका यफ पे, फिर यफ से जी पे, जी से आपका सी पे, तीन हिस्सा है। तीनों हिस्सा देखेंगे, पहले आपका ए यफ प्लस, फिर लिख सकते हैं आपका यफ जी प्लस, फिर लिखेंगे जी सी, लिख सकते हैं एसी कितने के बराबर हुआ, समझ में आया? ए एफ प्लस एफ जी प्लस जी सी। फिर आपको लिखेंगे आपका ए सी बराबर, फिर आपका ए एफ उतर गया, आपका ए एफ उतर गया, एफ जी देखिए आपका एफ जी कितने के बराबर है, ए एफ के, तो आपको यहाँ ए एफ लिख सकते हैं। प्लस आपका जी सी कितने के बराबर है, तो आपको ए एफ के बराबर है, तो ए एफ हो गया। फिर लिखेंगे ए सी बराबर ए के एफ, ए के एफ, ए के एफ मिलकर कितना ए एफ हो गया, आपको तीन ए एफ हो गया। फिर इसको याद कर सकते हैं, आपका तीन ए एफ बराबर आपको क्या बनेगा, आपका ए सी होगा। फिर ए एफ बराबर सब क्या हो जाएगा, तो ए एफ बराबर एक बटा तीन आपका ए सी हो गया, आपको सिद्ध हो गया। तो समझ में आ गया होगा, यहाँ ए एफ रखे, फिर एफ जी का मान ए एफ रखे, जी सी का मान ए एफ रखे, एक दो तीन, आपको तीन ए एफ हुआ, तीन ए एफ बराबर ए सी हुआ, फिर ए एफ बराबर तीन को नीचे कर दिए, तो ए एफ बराबर एक बटा तीन ए सी आ गया। एक क्वेश्चन और है इसका अथवा, अभी डिस्प्ले पे क्वेश्चन को देख सकते हैं। समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण ए का है समकोण है और बीएल तथा सीएम उसकी मध्यिकाएं हैं। सिद्ध कीजिए कि चार कोष्टक में बीएल का स्क्वायर प्लस सीएम का स्क्वायर बराबर चार बीसी का स्क्वायर आपको लाना है। क्वेश्चन नंबर आप में आप देखा जाए तो सात का यह लास्ट क्वेश्चन है, अथवा है छः नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ है, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समझ में पूरा आ जाएगा। तब यहाँ पे आपको सबसे पहले त्रिभुज बना लेंगे, और यहाँ त्रिभुज बनाने के बाद से देखिएगा आपका ए जो है कहाँ था समकोण है, तो चित्र में लिखेंगे दिया है, चित्र बनाने में लिखेंगे दिया है समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण ए कौन सी है समकोण है, और जो है बी एल तथा सी एम उसकी क्या है मध्यिकाएं है। देखिए आपका बी एल और सी एम जो है उसकी क्या है मध्यिकाएं, मध्यिकाएं जो बीचों बीच से आता है उसकी मध्यिकाएं है। तो आपको अगर इस चित्र से देखेंगे तो थोड़ा कम समझ आएगा, इसी चित्र को बाहर अगर काट करके बना करके समझाया जाएगा तो और आसान होगा। देखिए इसमें त्रिभुज हम बाहर लिए हैं ए आपका बी और सी, ये बड़ा देखिए ए बी सी, अब यहाँ लिख दिए ए बी सी में, तो आप त्रिभुज ए बी सी में लिए बड़ा बाहर करके, तो कर्ण का बल लंब का बल प्लस आधार का बल, ये पाइथागोरस का प्रमेय है। कोण इसमें क्या है, तो आपका कोण इसमें क्या है बी सी है, बी सी का वर्ग बराबर आधार आप लंब क्या है इसमें ए बी है, ए बी का वर्ग प्लस आपका क्या हो जाएगा ए सी का वर्ग, तो बी सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग प्लस ए सी का वर्ग, सभी का नंबर एक हो गया। अब इसमें से त्रिभुज को लेंगे, उसी में से बाहर करेंगे त्रिभुज ए बी एल, कौन कौन आपका ए बी एल, देखिए ए बी एल आपका त्रिभुज लिया गया, ए बी एल आपका त्रिभुज लिया है। अब इसका इसमें आपका पाइथागोरस लागू करेंगे, कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो कर्ण इसमें क्या है, तो कर्ण इसमें आपको देखेंगे बी एल है, क्या है बी एल, तो बी एल का वर्ग बराबर ए बी, ए बी लंब है, ए बी का वर्ग प्लस एल का वर्ग हो जाएगा। यहाँ जो एल जो देख रहे हैं चित्र से देखिए एल, एल किसका आधा है, एल जो चित्र में देखेंगे एल किसका आधा है, तो एसी का आधा है, एल किसका आधा है, तो एसी का आधा, यानी दीजिएगा आपका चूंकि जो है एल जो है एसी का आधा है, इसलिए एल को हटा देंगे एसी बटा दो कर देंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एल के जगह क्या लिखेंगे ए सी बटा दो, फिर ए बी का स्क्वायर हो जाएगा, फिर ए सी का आपका स्क्वायर आपका ए बी का स्क्वायर उतार देंगे, ए सी का स्क्वायर उतर गया, दो का वर्ग चार होता है, चार में ए बी को गुणा करेंगे तो चार ए बी हो जाएगा प्लस ए सी का वर्ग बटा चार होगा, चार में बी एल का गुणा करेंगे तो चार बी एल का आपको स्क्वायर होगा, चार बी एल का स्क्वायर बराबर चार ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, समीकरण नंबर आपका क्या है दो है, तो समीकरण नंबर दो हो गया और समीकरण नंबर एक हो गया। इसी प्रकार एक और त्रिभुज बनाएंगे, इस त्रिभुज का नाम क्या रहेगा ए एम सी आपका होगा, त्रिभुज ए एम सी में आएंगे, फिर सूत्र लिखेंगे वही कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो कर्ण का वर्ग किन आपका है तो सी एम है आपका, कर्ण इसमें क्या हो जाएगा आपका सी एम का वर्ग हो जाएगा, और इसमें लंब क्या हो जाएगा ए एम का वर्ग हो जाएगा, आधार जो हो जाएगा ए सी का वर्ग हो जाएगा। इसमें भी आपका ए एम देखेंगे, ए एम जो है किसका आधा है, तो ए एम किसका आधा है तो ए बी का आधा है, तो लिखेंगे ए एम ए बी का आपका आधा है, तो ए एम को बदल देंगे ए बी बटा आपका दो का स्क्वायर हो गया प्लस ए सी का स्क्वायर हो गया। बस थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ए बी का स्क्वायर बटा दो का वर्ग चार होता है प्लस आपका ए सी हो गया, चार में गुणा कर लेंगे आपका चार ए सी बटा आपका चार हो जाएगा, पूरे का बटा चार हो गया, मैं चार से गुणा करेंगे पूरे का बटा होगा, चार में सी एम का गुणा करें चार सी एम का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस चार ए सी का स्क्वायर, समीकरण नंबर क्या बनेगा आपका तीन बनेगा। समीकरण दो और समीकरण तीन जो बना है इसी दोनों समीकरण को जोड़ देंगे और समीकरण एक का प्रयोग कर देंगे तो आंसर आ जाएगा जो सिद्ध करने वाला है। नीचे लिखेंगे आपका समीकरण दो तथा दी देंगे, समीकरण दो तथा समीकरण तीन को आपको लिखें तीन को जोड़ने पर, समीकरण दो तथा तीन को क्या करेंगे जोड़ने पर, समीकरण दोनों को जोड़ देंगे तो आपको क्या आएगा आपका जब
संख्या दो और तीन को जोड़ेंगे तो संख्या दो क्या है और संख्या तीन क्या है इसके बारे में जानकारी रखेंगे। संख्या दो आपका क्या था, तो क्या था आपका यहाँ पर चार था, चार आपका बीएल का स्क्वायर है प्लस आपका क्या आपका चार सीएम का स्क्वायर है बराबर, और यहाँ पे क्या उतरेगा आपका चार आपका एबी का स्क्वायर है प्लस यहाँ का लिखेंगे आपका एसी का स्क्वायर है प्लस यहाँ लिखेंगे आपका एबी का स्क्वायर है प्लस यहाँ लिखेंगे चार एसी का स्क्वायर। ये समीकरण दो हो गया, समीकरण तीन हो गया, इसमें से चार कामा ले लेंगे तो क्या बचेगा आपका बीएल का स्क्वायर प्लस सीएम का स्क्वायर हो गया बराबर। यहाँ से आपका चार देखिए चार एबी और एक मिनट के कितना हुआ पांच एबी का स्क्वायर हुआ और एसी और चार एसी मिलकर के पांच एसी का स्क्वायर हुआ। अब इसमें से कामन क्या ले सकते हैं दोनों में, तो यहाँ से जो है अब पांच कामन इसमें से ले लेंगे, जब पांच इसमें से जब कामन ले लेंगे तो आपको चार उतर जाएगा आपका बीएल का स्क्वायर प्लस सीएम का स्क्वायर उतर जाएगा इसमें से पांच कामन, तो क्या बचेगा आपका ए बी का स्क्वायर प्लस आपका ए सी का स्क्वायर, समझ में आ रहा होगा। अब ये जो ए बी के स्क्वायर प्लस ए सी के स्क्वायर जो देख रहे हैं ये समीकरण एक पर ध्यान देंगे, तो समीकरण एक में क्या पढ़े हैं ए बी के स्क्वायर प्लस आपका ए सी के स्क्वायर कितने के बराबर है तो बी सी का स्क्वायर है। ये आपका समीकरण एक में पढ़ाया गया है कि आपका बी स्क्वायर जो हमारा है समीकरण एक में बताया गया है कि ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, तो यह जो ए बी का स्क्वायर और ए सी का स्क्वायर जब मिलेगा तो बी सी का स्क्वायर बन जाएगा, तो चार कोष्टक में आपका बी एल का स्क्वायर प्लस सी एम का स्क्वायर बराबर पाँच उतर जाएगा, और उसके बाद से ही आप इसके जगह पे आपका ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर जब कर सकते हैं बी सी का स्क्वायर, यही सिद्ध करना था। तो समझ में आ गया होगा, इसे अपने रफ पर जो है एक आध बार इसे लगा लेंगे तो पूरा आपका क्या हो जाएगा समझ में आ जाएगा कैसे यह सिद्ध हुआ। तो यह पेपर का जो लास्ट क्वेश्चन था, अब यह पेपर का कोड जो था ए एक्स था, ये पेपर आपका क्या हुआ समाप्त हुआ और अगला पेपर के बारे में आपको हल करा करके वीडियो अपलोड करा दिया जाएगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करिए, तब तक के लिए नमस्कार।